रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉन टोटल इंपॉसिबल मोर रिलेटेड डायस्टी में मिला पार्शियल इन्फेक्शन मेजर फॉर्म मिला पेन ऑफ इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी फॉर्म मिला एंड इट्स अ वेरी पेन आर एम एस विच विल बी इन इक्वल प्रोपोर्शन सो दैट कंप्लीट पोजिशन विल बिकम ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन नाउ देन इस टाइप की क्वेश्चन देख रहे कैल्कुलेट आर एंड एस जो नगर में वैसे फॉर्म कैटोमैटिक फॉर्म जब भी एलर्जी है कन्वर्जन तो एच प्लस यूज करोगे और दूसरे को ट्रांसफर करोगे देन क्वेश्चन बेस्ड ऑन एच प्लस लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ गिवन इन आई कंटेंट देन ज्योमेट्रिकल आइसोमर ज्योमेट्रिकल चेंज ऑफ फेस साइज चांस टू चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज नाइनटीन टू हैव ऑल फोर बुक क्वेश्चन बुक कंडक्टर डी नॉट कंफ्यूज ऑप्शन ऑफ जेर एनी सेकेंड एनी इफ यू हैव एनी बुक विच कैन से सेकेंड चांस यू कैन ऑल्सो कैटेलाइज जेर एनी फॉर दैट तो चांस हो रहा है जेडी की बात भी कर सकते जैसे अगर मान लीजिए मुझे क्लोरीन हाइड्रोजन Chlorine, hydrogen. So, this is a red type of compound. Suppose, the compound significance is red means, you may or may not say special ground. The compound significance is special ground, you can say only say red only. How is this clear? So, red is a reaction addition of iron only. High hydrogen is 25, it is called red, and hydrogen is always said for E. Now, hydrogen is also decided to say, that's a parent type of this. Atomic number, atomic rate, मैलिक एसिड इज अ स्ट्रेस एसिड एंड क्यूमेरिक एसिड इज अ ट्रांस एसिड मैलिक एसिड ये हैव स्ट्रेस फॉर्म बिकॉज ऑफ स्ट्रेस फॉर्म इट विल हैव डाइपोल मोमेंट इट विल नॉट हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट इट विल हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट ऑन द अदर हैंड क्यूमेरिक एसिड विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट एंड डाइपोल मोमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं सीओ टू सीओ एच तो दिस इज वन थिंग डाइपोल मोमेंट इज मोर बॉन्डिंग पॉइंट इज हाई रिमेंबर मेल्टिंग पॉइंट इज रिलेटेड विद सिमेट्रिसिटी सो इफ सिमेट्रिसिटी इज मोर मेल्टिंग पॉइंट विल बी मोर सिमेट्रिसिटी कितने ज्यादा मिलेगी ट्रांस में किस में ट्रांस में मतलब ट्रांस में कितने आ रहे हैं डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो रहा है जीरो हो रहा है डाइपोल मोमेंट एंड सिमेट्रिसिटी तो एक चीज जितना कनेक्टिविटी शो करेगी उतना ही उसका कम डाइपोल मोमेंट है नॉर्मल पेंटोन है और न्यू पेंटोन तो बता सकते मेल्टिंग जान जा रहा है नॉर्मल पेंटोन और न्यू पेंटिंग जिसके लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट न्यू पेंटिंग बता न्यू पेंटोन में सबसे क्या बनेगा न्यू पेंटोन में लगते एंड नॉर्मल पेंटोन में सबसे क्या न्यू पेंटिंग तो न्यू पेंटिंग इस पॉइंट पर पैराग्राफ कर दे उसके अराउंड सिलेक्टेड है मेल्टिंग पॉइंट लेकिन न्यू बिल्डिंग के बॉलिंग पॉइंट क्या होगा क्या वेन यू हैव डन द सेम थिंग फॉर साइक्लिक कंपाउंड फॉर साइक्लिक कंपाउंड तो फॉर साइक्लिक कंपाउंड द कंडीशन इज एट लीस्ट मिनिमम टू कार्बन विथ टू डिफरेंट ग्रुप्स अटैच यू सपोज टू फाइंड आउट मिनिमम टू कार्बन विथ टू डिफरेंट ग्रुप्स अटैच अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो कंपाउंड जेनेटिकली एक्टिव है जेनेटिकली शो करेगा और अगर कंपाउंड आप यहाँ पे नहीं शो कर पा रहे ऐसा तो जेनेटिकली आइसोमर यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लेस अकार्य कंपाउंड के हमारे कार्य कारण आइटम तो ये भी समझ में आना चाहिए अकार्य कंपाउंड के हमारे कार्य कारण आइटम एग्जाम्पल इज न्यूजो फॉर्म न्यूजो फॉर्म में क्या हो रहा है क्लोनस सेलेक्टिव है इसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो रहा है अपने आप में अकायरल हो रहे हैं लेकिन सारे सेंसेस के पास में नेक्स्ट अलर्टिमेट के हमने रिस्टेंटेड फॉर्म न्यूजो फॉर्म बाई रिजोल्यूशन जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था रिजोल्यूशन का बड़ी रिजोल्यूशन गेटिंग इंडिविजुअल आर एंड इंडिविजुअल एस टाइम ऑफ टाइम रिजोल्यूशन और रिजोल्यूशन रेफरेंस मिक्सचर एंड मिक्सिंग आर एंड एस टू गेट रेफरेंस मिक्सचर का रेफरमाइजेशन कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी नेसेसरी इन सफिशियंट कंडीशन
polarization. It should show polarization of the and it should have, it should not have any plane of symmetry. The plane of symmetry should be absent. Then, is it possible to have an instrument without carrying carbon atom? Answer is yes. And this example, I have told you, example is very important. I need one to last year, you have to get. So, now to go over LE. LE system is called CH2 double bond, CH2 double bond, CH2 is called LE. And di-substituted LE, you see LE is this. And di-substituted LE, this is on both sides, one man hydrogen. So, one substitution on right side, one substitution on left side. अगर हम ऐसा नहीं करते तो ऐसे लगे हुए तो इलेक्ट्रिसिटी होगी, इसलिए वो कंपाउंड ऑप्टिकल रिएक्शन नहीं होता है। तो एलिमेंट सिस्टम दो इट इज नॉट हैविंग एनी कार्बन कार्बन एटम स्टिल इट इज शोइंग एनहांसमेंट और ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो क्वेश्चन मैंने बताया था दो फेज परपेंडिकुलर होंगे, एक फेज में फाइबर में आते हैं अभी के सिस्टम में फाइबर है तो दोनों फेज परपेंडिकुलर इसलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पे शो कर सकते हैं। Pyridine, you don't have same hydrogen, hydrogen both the same. So compounds like this can show optical activity. C double bond C, and on both the carbons you have CH, CH, this compound can show optical activity. And I think answer your question as a last year. Last year you have to say, last year it's like the state star family you have to say, 10 questions have to be any, but any question is important to say. This was cyclic compound, alpha hydrogen is not important over. Then I have done spiral compounds. So spiral compounds mean जहाँ पे दो rings हो रहे, दो spiral मतलब दो spirals इस तरीके से complete हो रहे। So we see these two spirals as a double bond, simple thing. Now then estimate like if you have double bond, whether it will be optically active, answer is yes because it will be same as having H CH3, C double bond, C double bond, C H CH3. अगर जो optical active है, तो ये भी optically active होगा। अगर यहाँ पे पैरेंट बना देंगे तो ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पे दो से तीन देने वाले पैरेंट से जाएंगे, सबसे पहला वाला स्क्रीन है, दूसरा स्क्रीन है और तीसरा पे लगाएगा तीसरा इसी लेन में होगा तो ये होगा और जो पहला का दोनों सेम चीज होंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पे नहीं। अगर एक और लगाएंगे तो पैरेंट दिन अगर ऑप्टिकल एक्टर ठीक है स्टार्टिंग आपने यहाँ से ही नेक्स्ट परपेंडिकुलर फोर्थ ऐसा फोर्थ फिर से ऐसा तो सोचो फोर्थ कैसा है और फोर्थ कैसा है यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी से हो जाए। फिर हम कल भी बात हुआ था इसके अलावा मैंने कल से भी डिस्कस किया था, आधा पेपर कंप्लीट हो चुका था डिस्कशन में। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन विद टर्म कॉल्ड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्फॉर्मेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड conformers. Conformational isomer, conformation or conformers. Now this is not taken as example of stereoisomers or in line number 1 this is not counted in number of stereoisomers. Certainly this is because of orientation but it's a stereoisomers the counting of this otherwise how you come out infinite stereoisomers to connect to the day. So मान लो आपको मुझे देख कोई कहता हूँ कन्फर्मेशनल आइसोमर या कन्फर्मेशन या कन्फर्मर्स क्यों कर रहे हैं तो क्या हम कन्फर्मर्स को हम सी आइसोमर्स बोलेंगे? आंसर नहीं बोलेंगे। तो इसे सर्वे जो है तो मुझे लगता है कि ये कन्फर्मर्स कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जो आप रिजॉल्व नहीं कर सकते जिस यू कैन नॉट रिजॉल्व एंड गेट इन एब्सोल्यूट फॉर्म लेकिन इनका एग्जिस्टेंस लाइक एक्सपेरिमेंटली एग्जिस्टेंस उनका शो होता है और बीइंग अ कन्फर्मर तो यू कैन अंडरस्टैंड if you have a sigma bond which is a single bond then group attached here okay so this is the structure of compound so the same compound can exist in this also
समझ के देखें आप मान लो यहाँ पे कार्बन लेते हैं, यहाँ भी कार्बन है, हाइड्रोजन 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 जिसका हम सेम कंपाउंड इज दिस ऑल्सो आपका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया नहीं बट यू आर बैलेंस ओनली यू आर रोटेटेड सम हाइड्रोजन इन सच अ वे दैट इन टाइम का वन हाइड्रोजन इनिशियल हाइड्रोजन ओवरलैपिंग हो रही है और अब सब देख करके ऐसे कर दिया तो फाइनली स्ट्रक्चर में जो चेंज ऐसा सीडीएस सीडीएस और उस चेंज बेसिकली बिकॉज ऑफ ओरिएंटेशन चेंज द चेंज इन ओरिएंटेशन अरेंजमेंट आपने सबका काम किया रोटेट किया तो फाइनली गेट दिस बिकॉज आई कैन रोटेट दिस बॉन्ड फाइव डिग्री कितने डिग्री रोटेट करो यस 120 ओके अगर मैं आपको बोलूँ कि 180 आप नहीं कर रहे आप 120 के लिए काम कर सकते हैं अगर ये हाइड्रोजन यहां पहुंच जाए तो क्या कंडीशन है बिल्कुल अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे आपको ये काम करने के लिए सिर्फ 60 डिग्री रिलेशन से ही काम कर सकता है सोचो यहाँ पे पॉलिटिकल लाइन शो करूँ ऑल एंगल फॉर 60 that you have taken this bond and you have placed this bond this is kitna move karoge 60 degree right move kar dega so compound ka angle ye hydrogen ion se aage ye hydrogen 60 degree pe lega wahan pahunch gaya wahan pahunch gaya ye karo aur ye hydrogen 60 degree left se aage to pura compound ka 60 degree aise rotate kar dega kyunki structure mil jayega is anusandh se aage when again rotate 60 degree अगेन गेट दैट ओरिजिनल स्ट्रक्चर अगेन अगेन जो सकते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर ये काम होते हैं पूरी बात कैसे संभव इट लाइक यू हैव दीज टू थिंग्स नाउ ऑन द सेम हाइड्रोजन 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 इन वैल्यू का 120 अभी क्या है एक दूसरे के ओवरलैपिंग कंडीशन है नाउ अगर इस क्वेश्चन से मैं इस क्वेश्चन में लिया तब क्या होगा इसके अगर हाइड्रोजन और ये सारे एग्जैक्टली आपको दस तरीके से कमीशन हो रहा है कभी ये सारे कितना होगा किस तरीके कितना रिवेट किया आपने बना के कितना रिवेट किया ओनली कुछ तरीके ठीक है एलिगॉन्स की जरूरत क्या होगा ये इससे कार्बन हो रहा है खुद और फिर किसकी जरूरत की जरूरत था आपको तो आपको भी आ रहा था तो डायग्राम में आपको सोचा था आप करिए तो मुझे जो डायग्राम से होने तो डायग्राम जैसे कैसे दे रही है पहले ये समझो कि ये कितना कौन रोटेट कर रहे हैं आप ब्रेक नहीं कर रहे सो राइट एंड समझे यू आर नॉट ब्रेकिंग टू बॉन्ड यू आर नॉट ब्रेकिंग सिग्नल बॉन्ड यू आर जस्ट रोटेटिंग सिग्नल बॉन्ड हाउ मेनी डिग्रीज यू कैन रोटेट एनी सिग्नल बॉन्ड सिग्नल बॉन्ड में कितना रोटेट कर सकते हैं जैसे फिर ये बुरा ऑप्शन आपके पास है रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से भी इस तरीके से भी 360 डिग्री में कितने सारे ट्रांसफॉर्मर्स बन सकते हैं 0.1 डिग्री रोटेट कर दिया 0.2 डिग्री 0.15 डिग्री 1.2 डिग्री कितने ट्रांसफॉर्मर्स बनेंगे 0 से 360 में कितने नंबर होते हैं इंटरनेट तो इंटरनेट ट्रांसफॉर्मर पॉसिबल है तो अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए इथेन के कितने सीधे आइसोमर्स पॉसिबल है तो आंसर इंटरनेट में क्या होंगे नहीं इसलिए मैं बोला दिस इज नॉट कॉन्फिडेंट सीरियो आइसोमर पहले नहीं बोलेगा दिस इज नॉट कॉन्फिडेंट सीरियो आइसोमर दो इज इट कमिंग बिकॉज ऑफ ओरिएंटेशन इसके लिए नॉट कॉन्फिडेंट एज अ पार्ट ऑफ सीरियो आइसोमर अगर हम डिटेल में कितने आइटम बन जाए इंसाने वीडियो में कितना आइटम बन जाए इंसाने किसी भी नंबर में कितना आइटम बन जाए इंसाने सबका आंसर है इंसाने ये सब कैसे इज नॉट कॉन्फिडेंट सीरियो आइसोमर नाउ अंडरस्टैंड This cannot be resolved also. Very important point. You cannot resolve. This cannot be resolved. Resolve means the structure ko separately or alag karke la raha hai. Yani ki ye compound aisa leke aaya usne aisa bond aur ye compound aisa leke aaya usne same se bond structure. Aisa jo compound ya jitne bhi structure ka bana raha hai. Aisa possible nahi. Because the relation bahut fast hota hai.
जब तक आप रिजल्ट करोगे तो फाइनल कंपाउंड नहीं होंगे सी टू एस में, और वो सारे सी टू एस को फेंक देते हैं फिर वह करता है. सो दिस इज ओनली दिस रोटेशन ऑफ कंपाउंड इफ यू कैन नॉट रिजॉल्व, यू कैन नॉट गेट इन एब्सोल्यूट फॉर्म. ओके दैट्स व्हाट दिस इज नॉट टेकन अप एज पार्ट ऑफ सीरियल आइसोमर्स. दिस इज नॉट टेकन अप एज पार्ट ऑफ सीरियल आइसोमर्स. Now, whatever you have drawn here in this command, okay, to make it more visible or more understandable, you can draw it like this. Any carbon again? Carbon, hydrogen, 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 like that here, hydrogen. Now, if you look from this side, if this is your angle or direction, can you understand the carbon and other carbon will be back to back? The plane to the forward carbon is already there. Three carbon here, I think you just keep it with the carbon again. Yes, sir. You have to only put the carbon in here. So, should you have to put the carbon in here? Yes, sir. Likewise, in front of this hydrogen, you will not be able to see this hydrogen. This is just behind this one. Likewise this one, okay, will also reinforce this hydrogen, and the third one is also getting engaged from this hydrogen. So, overall picture ko, AC picture ko hum aise bhi draw kar sakte hain. Agar maine time to ko use kiya, to pehle sabse kya dikha aapke paas? Yes? Hydrogen, hydrogen, hydrogen. This is carbon. Time kaise dikha? And then जहां पर ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं ओके, और फिर हम शो करेंगे डार्क साइड में हाइड्रोजन 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 ओके. आई कैन नॉट ड्रॉ दिस हाइड्रोजन एग्जैक्टली हियर, इट आई ड्रॉ एंड यू वांट टू सी दिस वन. तो हाइड्रोजन ऐसे होकर गैप नहीं शो किया था, इसको ऐसे ही बना सकते सर्कल बना दो और यहाँ पर कैसे लिख दो एच कॉमन एच एच कॉमन एच एच कॉमन इसका मतलब ही वही होगा वही था लेकिन दूसरी जस्ट गैप साइड में तो फिर तो गैप नहीं बना सकते हैं मिस्टर या फिर जस्ट यहाँ पे एच कॉमन एच कैसे लिख सकते दो गैप करेंगे अब जब गैप नहीं है उतना नहीं आएंगे वो रहेंगे जीरो रहेंगे. आई हैव टू शो बोथ हाइड्रोजन एंड जस्ट शो यू द साइड रिफ्लेक्शन ओके. Now, this solution is called Stoenhouse solution. What is important exam solution? Stoenhouse solution. And the other one is called, this one is called Newman projection. Newman projection. So we have done, so we have done the picture projection. Okay, we have done red formula. Now this is Stoenhouse solution and Newman projection. Yes. वो अलग है यहाँ पे दो कार्बन ओके ये भी सिग्निफिक यहाँ पे मेरे जो ये जैसे आप फॉलो करते थे आर एस कंपेरिजन सी लिखते हैं कभी नहीं इफ यू ड्रॉइंग दिस पैटर्न जैसे डबल से सीज है सेम थी आप जो है इफ यू रिडिंग दिस सीज है मैंने समझते ओके. नाउ दिस पर्सन रिकमेंड दैट देर आर मोर देन वन कार्बन और दूसरा कारण पीछे है कि सर्कल बनाना जरूरी ऐसा नहीं करोगे तो पैसे बना के आए ओके. तो यहाँ पर ड्रॉ सर्कल ऑफ की ड्रॉ कैसे इन करंट पोजिशन वेन वन हाइड्रोजन इज एग्जैक्टली ऑन बैक साइड ऑफ अदर ओके. सो ऑल हाइड्रोजन आर इफ यू यूज फ्रॉम दिस साइड दिस इज कंप्लीट ओवर लैप आई एम गिविंग यू ऑफ ओनली थ्री हाइड्रोजन. सो दिस काइंड ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स पता है आपको कई वही सिचुएशन हो रही है फिर सोलर इक्लिप्स सोलर इक्लिप्स क्या होता है जब सन है सन मून के बीच में आता है हाँ सन अर्थ के बीच में मून आ रहा है ओके. तो सेम थिंग इक्लिप्स मीन व्हेन ऑल क्लियर ओरिएंटेड इन वन लाइन. तो सही ये बीच ओरिएंटेड इक्लिप्स का नहीं आता नाम के जो है इक्लिप्स का एग्जैक्टली वो लैप ओरिएंटेशन. नाउ इन दिस कंडीशन
because of this electrostatic linkage, hydrogen, nitrogen will feel some repulsion. This hydrogen and this hydrogen feel some repulsion, like that, this will feel some repulsion. And that's why aqueous structure is not very stable. In terms of stability, it is not very good structure. Because after hydrogen and other hydrogen, after carbon carbon bond is formed, then तो बनाया गया तो मेरे को समझाने के लिए एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा तो हाइड्रोजन आपके आने सामने आ रहे हैं अच्छी होता है ये स्ट्रक्चर कैसा होता है ऐसा किसी भी के पास कोई भी दूसरा हाइड्रोजन आता चाहिए सभी हाइड्रोजन की फिलिटी से एंटेक्सिडिक से मेंटेन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब इज इक्लिप्स वन एंड दैट इक्लिप्स इज नॉट वेरी स्टेबल ऑप्शन बिकॉज ऑफ रिपल्शन सो मेंशन दिस इज नॉट वेरी गुड स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ रिपल्शन सो व्हाट वी नो अबाउट इक्लिप्स थ्री थिंग्स Stability is less, energy will be stability is less, energy will be high, energy is high, and angle between any CH bond is zero. Complete overlap. So, all of this is ACH, all of this is an angle. So, zero degree angle. That's why energy is very high. Stability, energy is very high, so stability is not coming. Okay? इतना बड़ा समझना आया कोई भी डाउट यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन जी तीन भी कराना चार भी कराना सिक्स चाहिए इंजन भी कराना ठीक है कभी कभी जितना इसमें इतना रोमे रहेगा इतना समझना आ गया इतना कोई भी कंफ्यूजन सहज पोजिशन समझ में आ रहा है ह्यूमन पोजिशन भी समझ में आ रहा है सहज कौन सा होता है जिसमें आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ह्यूमन कौन सा होगा दूसरी बात इस तरीके से कोई डिफरेंस नहीं है प्रेजेंटेशन करवा दो आप ओके इट इज ओनली प्रेजेंटेशन ओके फॉर एग्जाम्पल मैं खड़े भी पढ़ा रहा हूँ बैठे भी पढ़ा सकता हूँ चलते भी पढ़ा सकता हूँ ओके एंटी भी कंपनी में दिखता हूँ क्या बैंक कोई प्रेजेंटेशन डिपेंड अपन बैठे डिपेंशन गिफ्ट प्रेजेंटेशन इज यूजफुल फॉर यू और गिफ्ट प्रेजेंटेशन इज मोर लॉजिकल फॉर यू तो जैसे फ्यूचर रिलेशन करा आपने और आपने वेस्ट का मैं भी करा था फ्यूचर रिलेशन कौन सा बेटर है ठीक है क्योंकि फ्यूचर में बनाना भी आ रहे हैं और रिजर्वेशन ज्यादा है नहीं जाना पड़ता आंसर ठीक मिल जाते हैं आपको वेस्ट कैमरे के लिए ज्यादा कोई भी आपको रिजर्वेशन चाहिए वो कुछ ज्यादा करती है सेम क्वेश्चन यू हैव वन हाइड्रोजन लाइक दिस एंड अदर क्वेश्चन like this. So, I can say, in this case, if you view from this side, what will happen? So, yes. Aapke structure yahan pe aisa dikhayi dega. Hydrogen, 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 and then you have the gas. Now, whatever I have drawn, I think this is drawn from this side. So, let's see. The moment the gas is there, let's just take it in. This is family level there. This is sun. This is sun. And this is sun. So, in front here, I gave him this way. अगर मुझे उसके लिए बनाना है अगर यू इंजन ये तो उसके कैसे बनाऊंगे तो आंसर वाला चाहिए फर्स्ट एंड देन यू शो सिक्स स्ट्रक्चर के लाइक दिस एंड आई हैव रिस्क बोलो कैसे कैसे आ रहे हैं यू लेवल इधर ढेर चल रहा है तो आपको ये क्वेश्चन सामने ये क्वेश्चन बात करेंगे अगर तो वो क्वेश्चन सामने सबसे पहले डॉलर पर बदल सेंटर से ओके यहाँ पे क्यों प्रेजेंटेशन है कैसे करता है ओके नहीं सब कुछ नहीं इसका मुझे साधन यहाँ पे आ रहा है और इस तरह डॉलर के कर सकते हैं कि वो जरूरत नहीं आपको सर्किल क्या एंड कर सकते ठीक है तो दो तीन सेम डे जरूर एंड बैठते हैं अगर वो गलत से यहाँ पर भैया कौन सा डायमंड कौन सा फ्रेंड है
ඉවත් කරනවානේ. තෝ ඉතින් උන්ට යන අතර වෙරෙන්නේ දැක්කින්න. අයබරක පිටගොන් තවස්නාර. තෝ in this case what is this angle? 60 60 60. So now let us mark one hydrogen with this color, green color. Okay. Now what I'll do, I'll rotate the structure anti-clockwise by 60 degrees. So, what is the problem here? If you rotate the structure by 60 degrees, what exactly will the transfer get exactly with first structure? First problem. At the first step, you can 60 degrees of the energy. You green hydrogen after this. This is green hydrogen. Present the 60 degree. Again, come on down. This condition is available. Then, next year, three stages. Now, this one is called stages. Tell the name of this. In which these are exactly opposite. These are called stages. This is called stages. Stages. In which these are exactly opposite. Okay? That's a little bit of a problem. Target figures are on it. Target figures are exactly opposite orientation on it. So understand, in case of target, potential energy will be very high or less. Target is very clear on it. Exactly opposite. Potential energy common to that energy. Energy. Come. The two common energy is the other stability. Tell me that I can have. Okay. So potential energy versus structure to let them graph that also. So graph it. Potential energy. Okay. What's the different structure? And this is only in a rotation to the left. It's not either the rotation. This is your father with 0 degrees. Okay, that means your first structure. You started with your structure. So then I said this structure is at least. So energy gets you okay. Highest amount of energy nothing. Jab you have 60 degree hai ga, to kahan pa chalo? Lowest amount. Where again it is 120 degree. Highest. Where again it is 180. Lowest. 240. Highest. 300. Lowest and 360 highest. So graph will be like this. Draw a graph. Draw the exam symmetrical table. And then again, it will repeat. You can say this position is a this position. This position is staggered. Now once you rotate this hydrogen with 120 degrees, look at this one. If you rotate the 120 degrees, if you are going down from there and not from there, so that is structure of the water, so technically, then you can eclipse the closing the line. And the 120 about 160 the model, so 180 the area, so staggered the line. Staggered the energy is higher than value. Sum or eclipse energy is higher than value. So draw this diagram. Potential energy is less for stagger, that means stability is more for stagger. Potential energy is high for eclipse, so that's why eclipse ke liye energy ja raha hai, stability kam hai. Okay, the question is how many consultants are possible for evening? Answer is infinite. Because 0 to 360 means that 360 angles nahi hota hai. I'm not saying you always draw individual multiple of angles. You can have 1.2 degree, 1.21 degree, 1.212 degree. That's the infinite number of such exist as that's the answer satisfaction is infinite conservatives are possible from 0 to 360. Is that one question? Okay. So, we can see the answer to the question. So, I think this is going to convert to an entire what exactly is angle between these ones. So, this helps you to talk about that. And next is, let's say you have a compound
पहले कंप्लीट कर लो सफर कभी जाते हुए कलेक्टिंग ऑफ अ कंपाउंड ड्यूटी नॉर्मल ड्यूटी एक फैक्टर ऑफ नॉर्मल ड्यूटी सीएससी सीएसटू सीएसटू सीएससी सही. Now, in this case, you can again do the same thing. So, look at this carbon and this carbon. So, if there is a real structure for this, for formal, you can have, see, this carbon is here, and this carbon is here. And then you can have hydrogen, hydrogen, and CH3. Now, arrangement of hydrogen, hydrogen, CH3. Let's say it is like this. Hydrogen, hydrogen, CH3. अच्छा सी एच सी में यहाँ पर बना लेते हैं सी एच सी एच एच एंड अदर के मतलब यहाँ सेम स्ट्रक्चर सी एच सी एच एंड एच यू कैन डू ऑप्शन देन यू कैन कीप दिस पोजिशन इन फिक्स पोजिशन एंड रोटेट स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर जो रोटेट करोगे माइनस का अपना सेक्शन रोटेट किया तो स्ट्रक्चर क्या मिलेगा सी एच सी एच एच कंप्यूटर ऐसे रहेगा यहाँ पर कितना हो गया 60 के रिलेटेड होगा ये 60 का आएगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा एच एच तो दोस्तों 60 की रिलेक्शन आगे जरूर होगी नेक्स्ट रोटेटेड अगेन बाय 60 की पीछे इलेक्ट्रॉन इसी को रिलेट कर रहे हैं ऐसे फ्रंट वाले को सेम पोजिशन दोनों के रोटेट करेंगे किसी दिखाई देगा तो इसको कैसे रिलेट करो 60 की कहां पर पहुंच गए फ्रंट पोजिशन इज एटेड सी एस सी एच एच एंड दिस इज नाउ सी एस सी H H तो आप जा रहे थे ना जरा वन बाय सिक्स थ्री बोलिए फ्रंट ऑफ सी सी एच सी एच एच हम बैक से भी बोलिए सी एच सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपीटेड अगेन बाय सिक्स थ्री सिक्सटी का पास होगा यहां पर आ जाएगा तो बैक साइड की कंडीशन तो कहते हैं सी एच सी then hydrogen hydrogen front is same CH3 H again the rate is by 630 CH3 कहाँ पे आने वाला है जहाँ पे आ जाएगा अभी सब नहीं आ रहा अभी सब कहाँ पे आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5 रेट इसके बाद सब आएगा CH3 H H and hydrogen कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे CH3 hydrogen and when they get 60 they are all 6 structures got a row it out and draw human direction for all 6 structures also so thodi si jagah aap maine aisa kar diya aap kar sakte hain thodi si jagah rakhiye aap ka human bhi bataye मैं मुझे नियम से ड्रॉ कर रहा हूँ उसके आसपास जाने जगह मिल रही मुझे तो फर्स्ट क्यूब का आंदोलन कैसा होगा ये सी एस सी एंड अगर सही सी एस सी कॉमर्स सी एस सी तो कैसे रूप से कर सकते बैक सीट को एंड देन यू हैव हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंडियन हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाउ ड्रॉ human positions of this one. So for this one we'll be getting the second one. This is first, second, third, fourth, fifth, and sixth.
So for 17, chapter 15, CH3, hydrogen, hydrogen. You find the way I have a, or you have to get it over. CH3, hydrogen, hydrogen. So where is angle between this? So diagram is angle balance, you can see them, so I have a question, the exam is happening. It's a regular. But if you have three diagrams, you have to only try them, draw them. It's a regular. So next is this structure. In this structure, if you draw a structure properly, front is saying CHC, H, H, and back side, it means just a leverage. Now we have a hydrogen, back side means CHC, and you have a hydrogen. The next is this structure. In this structure, exactly opposite structure. So you have CHC, H, H, and exactly opposite H, H, CHC. Structure number 4. Structure number 5, CHC, hydrogen, hydrogen. And in this case, you have hydrogen, then CHC, and then hydrogen. And last, this one, this is CHC, hydrogen, hydrogen, H, CHC, hydrogen. How do you want to do this? If you want to do this technique, you can help you. तो समय में काम कर सकते हैं। ओके। स्ट्रक्चर नंबर वापस ये विच स्ट्रक्चर है? लीस टेबल। तो ना ये स्ट्रक्चर विच स्ट्रक्चर लीस टेबल। ठीक? आंसर उसी का। रीजन क्या है? फर्स्ट स्ट्रक्चर में सीएचसी सीएचसी दूसरे के सामने आ रहे हैं। ऐसे क्या है चीज? ओके। तो वो तो लीज टेबल दोनों केस में एक साथ ऑपरेट हो रहा है तो ये काम जो हमारे रिपीट हो रहा है हर स्ट्रक्चर में सही से रिपीट नहीं होगा ये तो सही कारण हो रहा है तो वो तो कॉल सेक्लेस स्ट्रक्चर ओके टोटल एक्लेस स्ट्रक्चर कंप्लीट एक्लेस स्ट्रक्चर नाउ दिस इज कैरेट स्ट्रक्चर कैरेट कौन सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे एक्लेस के बाद कैरेट बनता है फिर एक्लेस बनता है फिर स्टैगर बनता है फिर एक्लेस बनता है फिर स्टैगर बनता है तो इस बार जो स्टैगरिंग हो रही है वो स्टैगरिंग यहाँ पर देखिए स्टैगर तो है स्ट्रक्चर पर ये स्टैगरिंग एग्जैक्टली अलग नहीं हो रही तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा जहां पर स्टैगरिंग एग्जैक्टली एपोजिट हो रही है तो स्टैगर भी है एग्जैक्टली एपोजिट हो ऐसे स्ट्रक्चर में होते हैं एंटी स्ट्रक्चर और एंटी स्टैगर स्ट्रक्चर तो हम यही कर दे एंटी स्टैगर स्ट्रक्चर जहां पर देखिए हम सीएचसी के एग्जैक्टली ऑपोजिट केस में हाइड्रोजन 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 सारी चीजें एग्जैक्टली ऑपोजिट हो दूसरे के ये ऐसा बोलते हैं सीएचसी के ऑपोजिट केस आ रहा है तो क्या हमने सीएचसी के ऑपोजिट केस में रेडिएटिव भी तो नहीं है इट इज ओनली आफ्टर थ्री रेडिएशन ओके तो स्ट्रक्चर नंबर वन इज हैविंग हाइएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज कंप्लीटली एक्लिप्स स्ट्रक्चर When you have structure number 4 with lowest amount of energy because it is empty or static structure. Finally, more and more, 4 की energy सबसे कम होगी समझ में आ रहा है क्योंकि जो सबसे stable होगा उसकी energy सबसे कम होने वाली है तो सबसे stable है उसकी energy सबसे कम होगी ठीक है तो सबसे last में आएगा तो 4 सबसे last में है 1 सबसे ऊपर है बच्चे 2, 3, 5, 6 2, 3, 5, 6 कहाँ पे place करने वाले So, structure number 1, structure number 2, you have CHC, CHC at a distance of 6 degrees. In structure number 5, you have CHC, CHC at a distance of 120 degrees. And in structure number, which one? 3. 3 also you have CHC, CHC at 120 degrees. So, how do you define it? Yes. You have to define it. स्टैगर्ड ऑप्शन को कैसे चूज करना
स्टैगर में केस भी है तो स्टैगर में यानी स्टैगर होना चाहिए एंगल वहां पर मैटर नहीं करेगा। तो स्टैगर ऑप्शन कौन सा रहता था जहां आप कोर्ट के बाद कौन सा स्टैगर वाला ऑप्शन जैसे सेकेंड इज ऑल्सो स्टैगर एंड देन फिक्स इज ऑल्सो स्टैगर क्योंकि सेकेंड एंड फिक्स जैसा ना सेकेंड और फिक्स स्टैगर में तो सेकेंड और फिक्स यहां पर आएंगे और दस में थ्री और फाइव नहीं एक में स्ट्रक्चर ओके थ्री और फाइव क्योंकि थ्री एंड फाइव थ्री इज एक में स्ट्रक्चर एंड फाइव इज ऑल्सो फिफ्टीज वन फिफ्टीज दिस वन इज ऑल्सो एक में स्ट्रक्चर। Now, these type of structures which lie in between these two are called dots. Okay? So these are called dot forms. Now, dot form is all forms in between this one. Completely filled, completely opposite. That is anti-staggered. Okay? Now, this will be dot form of one of the two syllables. गॉस वाले में स्टैगर वाला ज्यादा स्टेबल होगा तो देखो सेकेंड और फिफ्थ में फिफ्थ में ज्यादा स्टैगर फॉर्म बन गया आपके पास सेकेंड और फिफ्थ चेक करिए ये स्टैगर है फिफ्थ फॉर्म स्टैगर हो रहा है ओके अगले टाइम कंप्यूटर में भी चलेगा और ऐसी चैप्टर है सामने सामने एंगल नहीं है जहाँ पर स्ट्रक्चर वाला यहाँ पर सिक्स का ग्लास है अंदर का ये स्ट्रक्चर नहीं है ये स्ट्रक्चर है तो जो स्ट्रक्चर है वो लोड स्टेबिलिटी कौन बुक स्ट्रक्चर तो नाम लोड स्टेबिलिटी अब जो सब भी पैटर्न है graph in graph the same thing is to draw it will look like first with highest amount of energy and then something like this of course are aayega so one to two karo maan lo one ka highest hai so one ke baad second third kahan pe second zyada stable hai third kaun stable hai fourth सत्तर स्टेबल है फाइव फाइव कहां पे यहां पे आएगा देन सिक्स एंड देन नेक्स्ट किसे सबसे रेपिटेशन से होगा समझ लेंगे ओके तो दिस इज एंटी स्टैगर कंडीशन एंड दिस इज कॉन्टिटी एट लीस्ट यहां फिर से रिविजन करोगे फिर से नहीं पहुंच जाओगे तो दिस टाइम में समय को पैटर्न इज देयर दिस लोकेशन इज कॉल्ड जैसा ओके माय एग्जाम में क्वेश्चन को खेल के आ चुका है क्वेश्चन आ चुके हैं अरेंज एंटी स्टैगर इक्वल टू गॉस फॉर्म इन टर्म्स ऑफ एनर्जी तो ये मेरे आंसर एंटी स्टैगर देन गॉस एंड इक्वल टू अरेंज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सॉरी क्वेश्चन ध्यान दिए तो मोस्ट स्टेबल उसके टर्म्स में अरेंजमेंट क्वेश्चन ध्यान दी ये भी गिवन टर्म स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ न्यूरल स्ट्रक्चर क्वेश्चन इज फाइनल डैम एंड बिटवीन फिफ्टी एंड फिफ्टी सो दैट दिस स्ट्रक्चर विल हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको काम कर सकते हैं मिनिमम एनर्जी एज अ फेयर है वन एटी हैंडल कर रहे हो यहां पर एक बार क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है लेट्स सी हाउ वी कैन अप्लाई गेम एंड आंसर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन इज लाइक दिस This compound is more stable than this compound. Though this is anti-stagger, are you there? Anti-stagger, and this is not anti-stagger. This is dot form. But in this case, dot form is more stable than anti-stagger form. I will give you a question after that. Right. आपकी क्वेश्चन डॉटर रिमूव कर रहे हैं डॉटर जो है आपका एक कारण जो है तब डॉटर रिमूव करेंगे आपका फैमिली वाटर रिमूव करेंगे तो हर एक ब्लैक ऑयल ओके एथरीन ब्लैक ऑयल हमेशा वाटर निकाल के एथरीन में कन्वर्ट हो जाए डॉटर रिमूवल नहीं है दो आंसर बन जाए कहीं आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे भी हमने बॉन्डिंग ओके ऑक्सीजन अटैच विद हाइड्रोजन ओके वेरी टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग
hydrogen is attached with any electronegative element like oxygen, and the same hydrogen can get supposed to nearby electronegative like oxygen. Compound of atoms like oxygen, nitrogen, so it's a data. So this is hydrogen bonding. Because of this bonding, this compound gas can be used to do over and above anti-static form. Okay. So this is very energy. Then we have the anti-static and static bonding. So this is a gas resolved into one factor. Because of it. So we can tell you. So we need to add one. So the reason is that the use condition is that we have the bonding submission in the last time to Java. Hydrogen. Why not this compound is more stable? What is the same as I want to run in the media? Problem is that SI is telling us. If you do that, it doesn't need to have a responding unit. You have to have a repository of the examining of the system. So the secure form is more stable. Gas is more stable than anti-static form. And is it clear? So, ethane comes down here after. Butane K salic form comes down here. It is highest amount of energy, silent, least amount of energy, and that form in between these two. The next is, we do the same thing called cyclohexane. Now, cyclohexane generally we draw it like this: hydrogen, hydrogen. This is a very similar synthetic crystal, but actually this ring is not cleaner ring. The compound is not cleaner, that is into using its hybridization. Hybridization for all carbon, sp3. Other sp3 is, if the cleaner structure follows the structure, then it's question does not arise. Second is the structure as a material. The structure is taking you there, it's bringing the structure over. Okay. So what I'm doing is to find out about that. Yes, yes, yes. The actual structure. Okay, this is one structure. Another structure. And there's one structure which is like this. ये पॉइंट यहाँ से अटैच कर दो और ये पॉइंट यहाँ से क्रॉस लिंकिंग कर दो. ओके, दो अभी स्ट्रक्चर्स पर दो स्ट्रक्चर्स कॉल शेल साइन. दिस इज कॉल बोट साइन. बोट जैसा लग रहा है यहाँ पे जाएंगे बैठा रहे यहाँ पर बैठा. Then this is called twisted boat. Twisted chair mirror. Chair mirror. So these are different possible structures of cyclohexane in which most stable formation is chair type. Most stable formation is chair type. And highly unstable formation is bone structure. Bone structure. So this is most stable and this is least stable. Twisted bone is decent. Twisted bone is a lighter rotor. Every rotor in the upper rotor is the link number of common thumbnail in the opposition to common. Okay. So this one is most stable structure. That's why it's energy only. Least energy.
that's a most human. Now, इस time में जब arrange करोगे hydrogen, तो वही सब ये लोग समझे हैं. Carbon है यहाँ पे carbon, 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 carbon. Okay. तो ये लोग पीछे से chair में क्या लग रहे हैं? ऐसे chair होती है? तो उसको play chair, ऐसे इसका chair form. Okay. Right? Let's say chair form. So chair form structure is hydrogen, hydrogen. That's attached to it. अटैच करने शुरू करें और दिस रोटेशन इज कॉल्ड जब हाइड्रोजन वर्टिकली ऐसे अरेंज है इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन. एक्सियल पोजीशन एंड इफ हाइड्रोजन इज ऑन वन प्लेन इट इज कॉल्ड इक्विटोरियल पोजीशन. दैट सेम थिंग वी हैव डन इन केमिकल मॉडलिंग आल्सो. मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर शुड बी कैप्ट इन इक्विटोरियल प्लेन. ओके सो लोन पेयर यू ऑलवेज ट्राई टू कीप इन इक्विटोरियल प्लेन. सेम थिंग इन इंटीरियर. सो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन इज एक्चुअली इक्विटोरियल हाइड्रोजन. दिस इज एक्सियल हाइड्रोजन. नेक्स्ट विल बी इक्विटोरियल हाइड्रोजन अप एक्सियल हाइड्रोजन डाउन. नेक्स्ट विल बी एक्सियल हाइड्रोजन अप इक्विटोरियल डाउन. नेक्स्ट विल बी इक्विटोरियल अप एक्सियल डाउन देन एक्सियल अप इक्विटोरियल डाउन. तो ये पैटर्न पूरे में फॉलो होते हैं. तो जो पैटर्न क्या होगा यहाँ पे इक्विटोरियल अप एक्सियल डाउन. So, alternate arrangement so that repulsion is minimized in cyclohexane. Now, this one is most uniform because in this case, no hydrogen is in front of other hydrogen. So, here is this one. These two carbons will be having hydrogens attached, so these hydrogens will repel each other and make structure highly unstable. Problem is this. In this structure, again, you can show hydrogen, hydrogen, and you have carbon, carbon also like this. इसके बजे जो दूसरे के जो आपके जो है कुछ रिपल्शन आपने मिनिमाइज कर दिया स्ट्रक्चर. सो बट दिस प्रॉब्लम इज नॉट फेयर बिकॉज इन द केस वन हाइड्रोजन इज एक्सियल अदर वन इज इक्विटोरियल. सो दिस इज एक्सियल इक्विटोरियल इक्विटोरियल एक्सियल एक्सियल इक्विटोरियल इक्विटोरियल एक्सियल. आई होप सर फेयर इक्विटोरियल इन वन थिंग इन लाइक इफ आई ड्रॉइंग लाइक दिस इट इज इक्विटोरियल इफ आई ड्रॉइंग लाइक दिस ऑफ दिस इज एक्सियल. क्या लोग बताता हूँ सारे चीज तुम्हारे कंप्लीट होने जा रहे हैं और सिर्फ हमें मैकेनिज्म करना है और फिर थोड़ा फिर सारे चैप्टर कंप्लीट हो सकते हैं. चैप्टर कंप्लीट करने में बहुत बड़ी चीज नहीं होते फॉरन बात नहीं कि ये पोर्शन घर में आए तो सबसे आराम से कंप्लीट हो जाए. ये मुझे नहीं आया तो फिर अब थोड़े बाकी मुझे सब प्रॉब्लम प्रॉब्लम मिलने वाली क्योंकि अगर ये तो बातें आगे नहीं किया है तो फिर बाकी समस्या भी आएगा बिकॉज हमें क्या पता की फिर मुझे जहां तक पूछे वहां पर आपको बताएंगे. तो ऐसे मैडम में आपने पढ़ा नहीं चाहता मैं आपको क्लियर नहीं है तो फिर वहां पर प्रॉब्लम आ जाए जिसके लिए सब रिवाइज कर देते हैं. And this is the chair form of cyclohexane is most stable form and this will have alternate axial and equatorial arrangement. I hope this is clear. Fine. Now if you want to draw even projection for cyclohexane, it's still a general form. So what is it going to do? Yes. First of all, it's a structure of another chair form today. Structures like this. Now your view angle will be can be like this or can be like this. Okay, view angle like this, so you have hydrogen. One hydrogen, you have to put on a paper. Can hydrogen just over? Yes. Axial equatorial, equatorial axial, axial equatorial, equatorial axial, axial equatorial, equatorial axial. Fine. It's a long way. वैसे अगर अगर यहाँ से व्यू कर रहे हो तो क्या होगा स्ट्रक्चर में सी एस टू यहाँ पे एक सी एस टू है और यहाँ भी एक सी एस टू है. दो सी एस टू इस तरीके से लगे हुए हैं. इधर भी एक सी एस टू है. दूसरा सी एस टू यहाँ पे है. दो सी एस टू यहाँ पे लगे हुए हैं. तो ये सी एस टू और ये सी एस टू एक दूसरे के आयोजन हो जाएंगे. सिमिलरली ये भी एक दूसरे आयोजन हो जाएंगे. आपको फिर वेजिटेबल का क्वेश्चन होगा कार्बन
and hydrogen. Carbon and hydrogen. Now come to your sheet, hydrogen sheet we call it. Class assignment. Come to question number 21. Question 21. Section B. Question number 21. Section B. And here is the section. As I said, we will see. Look, two of the problems are made. As I said, we will see the same. The two of the problems are made. इसका मतलब यहाँ पे एक कार्बन फ्रेंड और एक कार्बन गैस होंगे, एक कार्बन फ्रेंड एक कार्बन गैस, कितने कार्बन कवर हो गए? तो रिमेनिंग जो कार्बन आपके यहाँ पे आए तो इफ यू आर व्यूइंग द कंप्लीट स्ट्रक्चर फ्रॉम लेट्स से दिस एंगल और दिस डायरेक्शन व्हाट विल हैपन दिस इज टेबल वन बी इसका नाम का नाम बता सकते हो इसमें कितने कार्बन है six carbon and we have bromine and bromine attached at 1 and 3 position. So sorry, bromine carbon attached at 1 and 3 position. So the answer is 1, 3 dibromo cyclohexane and 1, 3 dibromo where we have BRB and other dibromo cyclohexane. So sorry, cyclohexane is the second dibromo and the moment of the two dibromo. So you have to draw two structures in this fashion and you can have CH2, CH2. Okay? Now, important thing is, if you have the structure, in the structure, you create location for equilibrium axial in such a way that there should be minimum repulsion. If it's the family axial in here, or it's the family, you have to be equilibrium in here. So, opposition of it actually minimized here. Now, let us draw union position for this one. Okay? So, whatever you have drawn is, like this is called Stahov solution. You say, Stahov solution for cyclohexane. Now draw human position for cyclohexane. Draw human position for cyclohexane. Okay. Now to start with you can have a simple structure. Let us start with both structure. Such a simple structure. So another example. वी एम एस होना चाहिए यहाँ से भी कर रहे हो ओके नाउ देयर इज अ दिस कार्बन विल हैव ऑन बैक साइड दिस कार्बन एंड दिस कार्बन विल हैव ऑन बैक साइड दिस कार्बन एंड टू सी टू ओके ओके अबाउट सो सबसे कैसे बनाओगे इस तरह से लिखने के बाद सही अटैचमेंट यहाँ पे हो रहा है कितना है यहाँ पे अटैचमेंट इस तरीके से बॉन्ड अटैच हो रहे हैं इसी के दो पीस से कौन सा बॉन्ड अटैच होगा सेकंड ओके नाउ यू हैव एंड यू हैव हाइड्रोजन अटैच हियर नाउ हाउ मेनी हाइड्रोजन से वन टू एंड वन टू ओके राइट साइड एंड लेफ्ट साइड से यू हैव हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन सो इट्स अ डॉट स्ट्रक्चर इक्वल टू लाइक दिस यहाँ पे कनेक्टिविटी शो करेंगे किससे कार्बन कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे ऊपर से कनेक्टेड है चेक करो यहाँ पे दो कार्बन ऑलरेडी होते हैं कनेक्टेड तीसरा कनेक्शन में यहाँ से नहीं शो कर सकता क्योंकि ऊपर से कनेक्टेड है और ये वाला पोर्शन कनेक्टेड है और ये जो अगर मान लो तो दिस इज स्ट्रक्चर था दो स्ट्रक्चर इन दिस कंप्लीट ओवरलैपिंग हाइड्रोजन हाइड्रोजन ओवरलैप
hydrogen overlap, hydrogen overlap, hydrogen overlap, complete overlap. Because of the complete overlap, this structure is not this structure. If you want to draw the same thing for shear foam, what will happen? This is. यहाँ से भी कर रहे हैं ये दोनों कार्बन आने सामने आ गए तो इन दोनों के लिए अपने दो साइड बनाए ऊपर वाले पोर्शन पे एक हाइड्रोजन ड्रॉप किया गया और नीचे वाले पोर्शन पे एक लोकेशन यहाँ पे ड्रॉप की दोनों हाल सही तो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रहा है चेक करो दिस वन पुट इट ऑल सिक्स पॉइंट दिस इज रेडी वाला क्वेश्चन आपका दिस इज हाइड्रोजन दिस इज सॉरी दिस इज डब्ल्यू है ना हाइड्रोजन है यहाँ पर दो हंड्रेड देन रोज हाइड्रोजन देन दिस इज हाइड्रोजन 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 इसका मतलब कैसे कार्बन है यहाँ पे दो कार्बन और इसके दो कार्बन के साथ यहाँ पे दो कार्बन एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे जिस लोकेशन में बच्चे शो कर रहे हैं जिस लोकेशन में शो कर रहे हैं कंप्लीट टू हाइड्रोजन यहाँ पे शो कर रहे दिखा रहा है ठीक है जल्दी आपको ये सब एग्जाम में इनको सवाल लिखा स्ट्रक्चर ड्रॉ करो उसके फिक्स के नियम ड्रॉ करो बिकॉज उतना ज्यादा नहीं पूछेंगे आपसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि एटलीस्ट ये बताओ कि चेयर फॉर्म होता है इसके बेस रिएक्शन कंडीशन चेयर फॉर्म का ये अरेंजमेंट इम्पोर्टेंट हो जाएगा एनके लिक्विड होगी बिकॉज से कई सारे रिएक्शन पहुंच जाएगा कि अकार से पोजिशन हो रहा है और कौन सी पोजिशन लीज करेगी इक्विड एल लीज करने वाला है या एक्जल लीज करने वाला है डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ पे होगी एक्जल इक्विड के बीच में या इक्विड एक्जल के बीच में अटैक होगा तो ये लोकेशन कैसे करेंगे आप ये लोकेशन कैसे करेंगे इस तरीके के रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे साइकिल ऑफ एक्जल की देगी चाहे फर्स्ट टू प्राइस थ्री वन ए पार्ट बी पार्ट या ट्रांसफर करने की कंडीशन में आ सके कैसे ना चेक करें कभी भी जितना तरफ से अप्लाई करते हैं सोल्यूशन को Come to question number 22. Write in the configuration of solvent. Write in the configuration of solvent. Sir, you know, first something is there. Very easy. 22 is out. First something is there. Right? Great. Both like high side is same side over there. दोनों नीचे के बराबर है सेकंड कैसे है तीन हाई क्वालिटी के कॉम्पिटेट से हाई क्वालिटी का सिंथेसाइज करते हैं मैं बता रहा हूँ एक तरफ कार्बन है दूसरा कार्बन जो है एक और कार्बन लगा हुआ है फिर तेज सकते हैं जल्द कोई कंपाउंड ठीक से होगा टोलिंग डोमिन सेम साइज दो टोलिंग डोमिन मेरे को कैसे होगा बिकॉज इफ यू हैव दिस स्ट्रक्चर वी आर क्लियर देन यू हैव सिंगल बॉन्ड तो इन दो उन्हीं से बस रिटर्न आई टू एडिंग क्लोरीन दिस इज कार्बन क्लोरीन ज्यादा प्रेशन से आएंगे आप यहाँ पे डोमिन के लिए कैसे ज्यादा करोगे तो दोनों हाइड्रोजन के पता हो रहे हैं चेन से चेन से में कौन से क्या हो रहा है एक साइड के हाइलेट को निकालते हैं दोनों चेन दोनों अगर इधर हो जाएंगे तो क्या होगा इधर कुछ तो होगा अगर इधर हो जाए वापस नेक्स्ट को कैसे जाएंगे ये दोनों इधर है नेक्स्ट को कैसे करेंगे और उनके लिए कुछ चांस बने अभी यहां से गली और से अगर ये वाला प्लान इधर हो तो ये रहा तो ये रहे ओके ऑन वन कार्बन ये दे अंडिकल हाइड्रोजन एंड इफ दो हाइड्रोजन को हम सेम टाइम इट विल बिकम दिस फॉर एग्जांपल कंपाउंड नंबर सी देखो हाई प्रायोरिटी जो होगा हाइड्रोजन इधर इधर हाइड्रोजन है ये हाई प्रायोरिटी होगा दोनों हाइड्रोजन सेम साइड सेम साइड हो डबल डॉट नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23 सी पार्ट 2E4E3H5O4 एक्सोनाइन कैन यू ड्रॉ पिक्चर फॉर दिस 2E4E3H5O4 एक्सोनाइन एक्सोनाइन जो है तीन सी सी कितनी बार डबल बॉन्ड इन द पोजिशन से टू एंड फोर टू इन सेम थ्री एसाइन ओके तो सेम पोजिशन से असाइन लगा लेते पहले तो दिस इज थ्री टू एच फाइव दिस दिस पोजिशन मस्ट बी रिसीव टू एंड दो इनका मतलब क्या हो रहा है हाइड्रोजन तो करोगे ऊपर होगा नीचे होगा
हाइपोटेटिक भी होगा तो हाइलिंग भी होगा ऊपर की तरफ कौन से कैसा अंदर क्या होगा तो दैट दिस साइड दिस इज नॉन पॉडिबुक एंड दिस इज हाइपोटेटिक दोनों के बारे में अपने डायरेक्शन में एक ऊपर है और दूसरा नीचे ये हो गया वहां पर निकलते मेडिंग करोगे जहां पर हाइडिंग करना चाहिए ना दोनों ऑप्शन इंप्रूव कर रहे हैं नहीं एक बार करोगे क्या हो जाएगा जेड एक आइडेंटिफिकेशन है सिंपल आगे तो इसे ज्यादा स्ट्रक्चर पैटर्न स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस I hope you understand now. That this compound is on this location, look at this high side of CHC, on this side, high side is subject to. Both are on opposite side, this is the same. Look at this other one, high side of CHC, high side is subject to. Both are on opposite side, this is again C. And summary of this compound is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 acyls, 2, 4 dyes, 2 per hexane. So, this compound is actually 2E, 4E, 3 ethyl, 2, 4 hexadiene. Now, the same structure that I want to draw, 2E, 4 Z. Okay, there we go. Now, it is 2E, 4 Z. Same question, 2E, 4 Z. So, change the hydrogen. Take the hydrogen above, take the structure below. It will become Z. And once it is there, it will be 2E4Z3HIV, 2C4HIV. Fine. It's not possible, right? Now next is... Pressure under equation 20. 20 is equation, so now we can complete the structure. Yes, sir. कंपाउंड डी सी समझ लें सी कैसे कंपाउंड है क्वेश्चन में तो सी कंपाउंड है जेड एम सी कंपाउंड ऑपोजिट साइड दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 फाइव थाउजेंड कंपाउंड तो कॉल इट 20 एंड फोर पोजिशन पे भी अलग अलग है मिथाइल तो थ्री मिथाइल 17 हो रहे हैं 17 की पोजिशन भी देखेंगे सेकंड पोजिशन पे और सेकंड पोजिशन पे कौन सा जेड है यू है ई कंपाउंड हो रहा है तो थ्री यू 3 मेटेरियल 20 10 2 तो मैं 20 है उसका काम कर सकते फाइन नाउ क्वेश्चन लाइक कैडमियम मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ कैडमियम है क्या वो कैडमियम के क्या फॉर्म है मोर फॉर्म क्या फॉर्म आंसर सी क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर सी यू डॉक्टर एक्टर आंसर सी कौन सी पोजिशन आपके लिए एक्टर पोजिशन है फाइनल डॉक्टर के लिए एक्टर पोजिशन जो पीएचसी सी डबल बॉन्ड सी पीएचसी ऐसे जी सी और सी जिस तरह भी एलिजिबल और इसके लिए ऑप्टिकल बताओ यहाँ सी ओ एस और इधर सी एच सी एस ऑप्टिकल एक्टर पोजिशन बिल्कुल अगर यहाँ पे दिया फिर भी हो रहा है ऐसा आगे तब भी हो रहा है अगर यहाँ पे बी आर एस पी एम कुछ भी आ जाता है जो सी के रिफंड है तो कंपाउंड क्या होगा दो ऑप्टिकल एज वेल एज जॉमेट्रे का आइसमल नॉट कम टू बेस्ट कमांड है 34 जीरो कंपाउंड है इट इज ट्रांस ऑल्सो एंड जेड ऑल्सो यहाँ पे जो डबल बाउंड तो होगा राइट शिफ्ट कर दो एक यहाँ पे सी को डबल बाउंड तो राइट चले जाए तो वो स्ट्रक्चर करेक्ट सकते हैं सी एस सी सी पी एल सी एस सी डी आर 34 स्ट्रक्चर सी एस सी सी पी एल डबल बॉन्ड सी
the earth. And this is the earth. Now tell you answer this. This is east, because here is the earth. Sorry, this is the earth. This? Here we are. Here we are, same thing, dead. So this is west, and is it from? West or north? Is it from south? Because here is the earth, opposite side. So this is dead as well as sun. Answer is both sides. 34 answer is both sides. 45 certainly got the note. 46 certainly. Fine. 37 you got to go, 48 got to go. Question number is, second answer is, what type of confirmation is shown by 1 and 2? This means one small change in one part, first part, and the change is, जहाँ पे यहाँ CHC लिखा है, उसके अलावा आपको लिखो H. फर्स्ट सेक्शन में लेफ्ट साइड में CHC लिखा है, उसको H करिए. अगर वही कंपाउंड सिस्टम हो जाएंगे तो इसमें तीन CHC एक दो CHC. यू हैव कंपाउंड आज हाइड्रोजन 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 नाउ एंड यू हैव हाइड्रोजन हाइड्रोजन CHC एंड व्हाट इज CHC. And in second picture you get hydrogen, 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 that is exactly the same. The first is hydrogen, CHC, CHC. Question is, what type of conformation is shown by 1 and 2? Whatever I think I don't know. Conformation? Transformation, right? Conformation isomers. Answer is A. See, DCR, DCR, conformation isomers. Answer is A. Question number 50. Which type of conformation is shown by 1 and 2? 50. What is the 2nd topic is? 2 plus 2? Conformation is now. 39 is the first part same here. कॉन्फर्मेशन कर अच्छा हाँ जो डायग्राम है वाला कभी नहीं बोल रहा हूँ जो देखो ऐसे हाँ सबसे लास्ट उसमें क्या देखो ये खास बात है सेफ्टी का एक रेशियो रहा है वहाँ पे चेंज हो जाएगा ऐसा ओके तो ऐसे बात सबसे पहले ये दोनों सबसे जाएंगे एक दूसरे के कॉन्फर्मेशन है समझ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 Which type of conformation is shown by 1 and 2? Now, again, first section second way, second section first row. So, answer is A. Or else, 1, 2, 3, 4, answer is B. Now, if all of those 7 section are here, target. And this is the here, if you. Question number 53. Geometrical isomerism is possible. Now let us start with few questions on geometrical isomerism. One thing is, you have three double bond thing, and you have different groups attached. So it can be XY, it can be XY, YY, or it can be entirely different set of groups. AED. Okay. So these three can show geometrical isomers for three double bonds. Or other compounds can also show geometrical isomers. For example, if you have N double bond M. So also good. Or diazo good. And diazo compound if you have, let's say, OH and OH. This compound is geometrically active. This can show geometrical isomers. Fine. N double bond L isomers, though they are different compounds, it is geometrically active water compound. Then compound like oxygen compound can also show geometrical isomers. For example, if you have CH double bond NOH. Now this compound is also geometrically active. So C double bond N attached on one side of the OH, it is having two different groups on carbon, it is also geometrically active. The compound form the table. The compound form of the CHC, C double bond OHC reaction karate hain. NH2 OH, jaane padhi hai, LIH hai.
Now this can remove water, so you can draw it like this, and it's too much. Removal of water will give you this color. So this is oxygen of acetyl ring. This amount is acetyl ring, and carbon compound is oxygen of acetyl ring. Now since this compound is having two different groups on carbon, this is also showing geometrical isomer. तो ऐसे दो ही की डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड आइटम में शो करता है एन डबल बॉन्ड एन भी शो कर सकता है अगर दो रकम ग्रुप है सी डबल बॉन्ड एन ओ भी शो कर सकते हैं और गुम वहां पे सी के लगे हुए दो डिफरेंट होने चाहिए ओके नाउ विद दिस प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 53 जेनेटिकल आइटम इज पॉसिबल इन एसिटोन ऑर्गन वेट इज एसिटोन ऑर्गन इफ यू ड्रॉ ऑर्गन फ्रॉम एसिटोन वेट इज एसिटोन Acetone is CH3CO-CH3 and if you are reacting with NH2OH, what is it? CH3CO-CH3 double bond NOH. Now this compound is having same group on both sides, so that cannot show geometrical isomer. So acetone has been cannot show. Isobutylene soda. सैनिक कंपाउंड से कमिटेबल आइटम सर ही रहा मेरे दोनों में से है केस पे इन कारण के दो केस लगे हुए हैं फिर से शो नहीं कर सकता समझ में आ रहा है सी पार्ट का है एसिटोन फेनोन और सी वो इज एसिटोन फेनोन तो दिस मीन यू शुड नो मैंने जल्दी हमें बता दिया है एसिटोन मीन सी एच थ्री सी एंड फेनोन तो आप लोगों को सी एच भी आ रहा है साथ में तो ये कंपाउंड होता है एसिटोन फेनोन इफ यू मेन ऑर्गन ऑफ दिस दैट मीन इफ यू आर रिएक्टिंग CH3 C double bond OCH with NH2OH. What will happen? Water will come out and everybody will come out. CH3 CH C double bond N. Now in this case these two are different. And this can show differential geometrical isomer. So answer to this question will be acetate phenol oxygen. And last is benzophenone oxygen. E part benzophenone water. Donor pair of CHPH. तो पीएच 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 कंपाउंड का बना दो एन एच टू एच की रिएक्शन करो ये बना दिया क्या होगा आपको पीएच सी पीएच डबल बॉन्ड एन ओ एच दोनों का सेम होगा नहीं हो एंड वो कंडीशन से देखनी है पीएच पीएच के जो भी जो कारण के लगे वो डिफरेंट होने चाहिए तो विद दैट वेरी यू आंसर टू पार्ट एंड दिस क्वेश्चन हो रहा है हमारी भी जो टू मार्क्स तीन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53 वो वन टू क्वेश्चन आगे सिक्सटी टू कर सकते हो सिंपल एप्लीकेशन इसका सिक्सटी टू सही ठीक है आइसोन आर्गन हैंडल दूसरा हैंडल की मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लोएस्ट आइसिन विच इज कैपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग एन एन टू मोस्ट मस्ट है इस कारण है ओके सबसे क्लास हो जाती है इसको इसमें लगन जोमेट्रिकल आइसोमर इज एग्जिबिटेड बाय ऑल ऑफ दी टू डबल वन टू भी शो कर सकते हैं टू डबल वन एन भी शो कर सकता है बताया भी एनवाइस एग्जाम्पल ऑप्शन था और एन डबल वन एन डबल दो दो परसेंट का कोई शो हो सकता है ट्रांसफर ऑल ऑफ दी दिस क्या भी आपने सोचा है क्वेश्चन नंबर 13 रेकमेंडेशन इज ऑप्टिकली एनास्टेड ब्लू टू आंसर इज External compensation, answer B part. Question number 13, which will show optical isomerism? C, A3B कर सकते हैं क्या नहीं तीन दो पेज हो रहे हैं एक दो C A D B तो भी नहीं होगा C A D C D यस या नो सारे ऑप्शन जो है सेकंड में आंसर क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू सूर्य आइसोमेरिज्म सो यू हैव द सेम सिंपल फॉर्मूला दे नेवर एवर हैव सेम पर्टिकुलर मैंगनीज प्रॉपर्टी CD isomers differ only in spatial arrangement of atoms within the molecule and all types of CD isomers are obtained by relation about carbon-carbon single bond. Is it possible? So we get all types of relation. All types of CD isomers are obtained by relation of carbon-carbon single bond. No. So does not apply D wrong of the statement. What about D part? D correct here. We are may not. Okay. C part. Differ only in spatial arrangement of atoms within the molecule and it is also correct. A part has the same structure from the result of it.
So, second part of the statement area, do statement. Question number 16. Which of the following will not be able to show optical isomers? Self-explanation by the given name of the name. Okay, now this reason the array. The separation of reference ratio, this is. Separation of reference ratio into resolution. Good. Then number of sexual considerations are you doing? Optical activity of the Kataya Gatan Kalyan. Okay, question 21. 21 is answer to. Stability of distant conservation. Success to the ground over. Shadow. Success comes to the ground over. In the acid. So answer comes from after again. Shadow, then gas, then partially clear, and then fully clear. Okay. Then in reaction CH2CHF-HCl, this product is produced. Now this product will be, so this is the reaction, so we have to study it, not to do study it, but if you want to cover it, you can cover it, you can cover it, you can cover it, but still it's not reason to cover it, so CH2CHF-HCl reaction to the HCl. So, this is the product number, CH2CHF-HCl. Now, it's a RS dono sign number. So, answer to our reactionic nature. It was to move that way, and it doesn't cross up. So, are we getting knowledge of the reason sign for such a? Plus to minus portion to that, so minus to plus. So, you can count the minus factor sign up. Okay, which is the result of a gain duty resistor? We don't have a relevant value. Without having the meaning of the addition to the HCMC and the other is the meaning of the add and this C plus. Okay. तो ये सब मिल रहा है मैं मतलब बेसिक नॉलेज से बोल रहा हूँ कि अगर इतना ही ज़रूरत होगी आप सॉल्व कर सकते हो आर एल एस कमीशन यहाँ पे और आर एस कमीशन होने के कारण यहाँ पे रेशनल मिस्टर कमीशन बनता है तो उनको भी बस क्वेश्चन होगी डी ये भी आर एल एस बोल इधर अटैक ऑफ सी एल एस लाइट फ्रॉम दिस साइड एज वेल एज फ्रॉम दिस साइड कैसे होता है क्यों होता है इसका डिटेल में डिस्कशन नहीं करता है ओके अभी मैंने नहीं किया सही मैम क्वेश्चन नंबर 23 व्यक्ति आइसोमर्स गिवन है These are bacterial much. Question number 24. NT conservation of normal heating, but two metal gives it an angle of? Check your question. Yes? 180. Okay, NT status system is 180 degrees now. 25. The first structure given below of? Minus 1,000. Which shows thin and NT? Now, come to this question also. What is thin and NT? See, whenever you draw oxygen, there is oxygen, C double bond N O H with two groups A and B. Now, if you have studied this, this will have a longer also and OH also. So, OH is like this. That's a structure with this compound. I'm going to be longer than almost 120. So this is not exactly a straight line. If you have straight line, the three double bond N O H, one other one straight line, but actually the straight structure is over. If this OH is on the same side of hydrogen, this type of compound is called spin. H O H spin side. And if H O H are on opposite sides, the same compound is called anti. So let's say you have structure CH3 T double bond N O H H. Both spin or anti? Okay, same side. Spin. And if OH is on this side? Same number is on N. Spin and anti are again? Generally on N. So, come to question number 26. Answer this question. Which shows spin and anti spinal isomer? That means which shows the metabol isomer? Iodine guy? The iodine is the metabol isomer. Iodine is the other. RCH. Argon is the other. So, ultra-far is the sector. Benzyl dioxide, CC peptide CHO, benzyl dioxide बनने वाला ऑक्सीजन कौन सा हो सकता है सीधे ऑक्सीजन सेवन कंपाउंड से बनने वाला ऑक्सीजन ट्रांसफर और कौन से ट्रांसफर हो फिर भी कभी ग्लूकोज स्ट्रक्चर आपने भी करा है लेकिन इतना तो पता होगा कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एक आयोडाइड होता है दूसरा कीटोन तो दूसरा में क्या है ग्लूकोज और दूसरा कीटोन सबसे तो दैट्स व्हाई सबसे जो कीटोन ग्लूकोज जो आयोडाइड जैसे स्ट्रक्चर फंक्शनल आइसोमर Iodine going to say a function isomer. Question 28. The process of converting D from D form to I form and vice versa is known as this is. It is called Walden inversion from A form. Conversion of D into L or L into D is called Walden inversion
Now, let's see the short of the problem because of the mechanism only for our Walden invasion. Okay, it is seen in SN2 mechanism. Okay. Substitution nucleophilic, right? It is seen in SN2 mechanism. What is SN2? Substitution nucleophilic. And order of second. This is the second order, the second order reaction. Transistors, Walden inversion takes place. Walden inversion is that they are all structured by especially converted over. We got the result, mid class. Do you have a mid class? So, mid class, huh? SN2A, right? Walden inversion. Okay, now, SN2 is adapted to that over. SN1 is all over. Do you have a adapted over? Do you have a adapted over? So, R can be looked at this, S can be looked at this. So, this is a part of the ID. अभी तो ये क्या बताया? तो इसमें क्या होता है एसटीएम चेंजेस? तो अभी तो इसमें देखो तो मिडिल एंड अपकमिंग क्लासेस, मिड क्लास का तो मैकेनिज्म क्या होगा जैसे आप पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ओके? तो उनके डिटेल्स आप पढ़ोगे तो वहां पर सारी चीजें फिर से आएंगी. Transistors, Walden inversion के अलावा कौन सा क्या आते हैं? Most successful, this is D to L conversion or L to D conversion, and this will give you, this will be given in SN2 mechanism. क्वेश्चन में पहले आएंगे हाउ मेनी कार्बन कार्बन आइटम इन रेडियो तो स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने आप ही आंसर आएगा सबसे पहले सी एच ओ सी एच ओ एस कितना होगा यहाँ पर पता होगा नॉन एक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉडल टू वाले कार्बन आइटम इज ऑलवेज ऑप्टिकल रिएक्टर इज ऑलवेज ऑप्टिकल रिएक्टर ये सब हम आपको बता सकते हैं बताने की जरूरत नहीं है नीचे फॉर्म वगैरह फ्रीक्वेंसी करवाऊंगा दो कार्बन में से ऑप्टिकल रिएक्टर हमेशा होगा ऑलवेज नहीं ओके तो उसका सही आंसर तो हमारा सेकेंडरी आंसर लास्ट है एग्जिस्ट इन टू थिंग्स वन ऑफ इज ऑप्टिकल एक्टर एंड अदर इज ऑप्टिकल इनएक्टिव दिस इज इट कैन बी न्यूट्रल फॉर्म ओके इट कैन बी आर फॉर्म और एस फॉर्म नाउ व्हाट इज द पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ सिंगल आइसोमर फॉर टू बी राइजर रिजन यूनिक कर लोगे तो इसमें कुछ क्वेश्चन आप और नोट करिए मैं आपको कराना चाह रहा हूं कल तो इसके कुछ क्वेश्चन में कह रहा था कि आप जो प्रैक्टिस कर लेंगे इस आंसर ऑफ 34 पे आएगा लेकिन वॉन्ट्स फॉर जोमेट्रिकल आइसोमर कभी बोल आंसर करो जोमेट्रिकल शो नहीं करेगा बेटा नहीं करेगा करेगा कौन सा नहीं करेगा जी जी मतलब जिन्हें राइट साइड देगा दो फ्यूल है सी कैसे करेगा पार्टी कंपाउंड में दो रेशियो का घूम जा रहा है एक्सपेल एक्सपेल लगेगा और एक भी जल्दी करेंगे अच्छा तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो बताओ क्या पड़ेगा कभी कंपाउंड जोमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं HCl is सीधे इधर से गए और इधर से गए दोनों साथ ही एक ही है जिससे नॉट से जमा के बड़ा इस्तेमाल ऐसे फिर भी ऑप्शन हो जाएंगे पेयर भी आपको चले गए यहाँ पे डबल वन और डबल वन मेरे कैसे हो गया कि जमा के शो कर दे अगर ये क्वेश्चन होता है जमा के इस्तेमाल शो नहीं करे अगर नहीं दे रहे हैं तो जमा के लिए इस्तेमाल शो कराना है तो दोनों पास चेंज कर दो यहाँ पे डबल वन लगा दो इतनी चेंज हो जाएगा यहाँ पे डबल वन लगा दो अभी भी चेंज हो जाएगा उधर से गए सेकेंड थर्ड पोजिशन में डबल वन टू थर्ड थर्ड पोजिशन में डबल वन तब दोनों लास्ट से अलग अलग हो रहे हैं इसका मतलब कंपाउंड कैसे है जब इसके टाइम आज के कंपाउंड हो रहे हैं कंपाउंड तभी से आंसर शुड बी डी पास इन दोनों के कॉन्सेप्ट विच वे से जोमेट्रिकल आइसोमर कैसी कर सकते हैं क्या सही कर सकते हैं बताया मैंने ए होगा क्या बी होगा तो यहां पर देखो कमेंट क्या है ए नंबर ऑफ डबल वन बट ऑल नंबर ऑफ डबल वन नंबर रहेगा तीन जन एक हो जाएगा कौन सा जाएगा यहां पर बी डाई सब्सिटेड एलिमेंट सेंसर डाई सब्सिटेड एलिमेंट सेंसर के बाद सी एस टू डबल वन सी डबल वन सी एस टू तो ए नहीं जो रहे ए एस टू का कोई मान लो पहला पेन आपका दूसरा पेन कर देने करो तीसरा पेन फिर से कर देने तो पहला भी जो हो गया तो ठीक है ऑप्शन ऐसा यही का ऑप्शन हाँ सी बीच वाला सिंगल बॉन्ड होता है तो फिर वहां पे क्या लगा सकते हैं चला सकते हो क्वेश्चन नंबर 27 विच शोज जोमेट्रिकल आइसोमर ए वन शो बी वन शो सी वन शो एंड इवन डी वन शो ऑल ओवर आंसर में यही थी विच विल नॉट शो दैट इज दैट इज एनी लगा दी मैंने यहाँ पे डी में
Parameter is also very well. This is among the CH, N, double bond, N, T. So, what are N, double bond, 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 so, compound, K, but not second, is on opposite, opposite. Compound A is not, B, negative. What is second, beta? If you replace this H by ME, so many different this this part is different. ME, I want to add it as a smell. So you can say that it's double bond to N, genetic hyphen of sugar. So answer the very easy. In this case, this is very easy. Given picture. E. N or N right side. Possibly there is, but it will be the other side here. Either side of the variable quantum on the other side. Either side is the money. So come to the other side. Possibly. Fine. So this but not other one. Can I say this is correct? TH, TH, T double bond, N was. This will not. Because we say we say. Abhi jay mujhe pehle. So after that, hum se kya hoga? Beta. C type bhi check kar lo. Double bond TH on me. Can this say? No. Kyun nahi kar sakte? Abhi bata raha hai. In both of the raste ek hai. Cycle name to move karo. S and E. If you go this way, or if you go this way, there is no difference at all. There is no double bond, there is no BR. So this combine is very also. Aisa likha ye karega. So ye aise galat ho gaye. तो फिर सेकंड पार्ट कर सकते हैं सेकंड पार्ट कर जाएगा तो मेरे यहाँ पे दो एक क्वेश्चन में आठ क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए अगर क्वेश्चन में बैंक क्वेश्चन ट्वेंटी या एक क्वेश्चन नंबर ऑफ यू तो यू कैन चार्ज में ज्योमेट्रिकल एक्सेस आ जाता है ऐसा मत तो कंपाउंड नंबर थ्री फर्स्ट कंपाउंड वेरी वॉन्ट डू सेकंड कंपाउंड वेरी डू रिव्यू कैसे आ रहे सेकंड कंपाउंड कैसे क्यों आने वाले हैं आपके पास कंपाउंड जो है डबल बॉन्ड सी एच एन ई एनओ एन ई Because of this only, this part and this part are not same. So, you have two different ones here and two different ones here. Compound can say genetical isomer. Compound number B, this is only compound, that's very obvious here. So, this way so, and other one will not be there over here. So, you decide if you have an answer bonus over here. So, answer here and answer, so answer here. B. Automatically, you have both sets in the total number of that without sugar. So, you decide to add them. This is major point. That should be CH2 whole N, not CH2 whole N. टेस्टी और वर्णन नहीं हो सकता ना सर टेस्टी 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 कितने भी टेस्टी निकल जा रहे हो तो समस्या है तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल आते हुए नहीं हो सकता मीन का पानी रहेगा एक्चुअली इफ यू हैव दिस पैटर्न इन यू आई हैव टेन नंबर सी एस टू एंड देन द सेम पैटर्न इज रिफ्लेक्टेड हियर तो एच टू एच एच टू एच सी एस टी दिस कंपाउंड ऑफ रिजल्ट इन ऑफ समस्या जहां पे ऑड नंबर लग रहा है सी एस टू या इवन नंबर लग रहा है आपको चलते So, this compound number A is a major compound. B compound? No. B can be used as a lot. So, if you have to make it, you have to make it, you have to make it, you have to make it. Yes, I have to make it. If you have to make it, you have to make it, you have to make it. Same compound. You have to make it, you have to make it. There is two options. So, C will be major compound. There is a B option. Will it be major compound? No. अगर डी के नीचे का मैंने तो फिर से एग्जाम करना होगा दोनों सीएल के नीचे रहो और दोनों ऑफ के बाहर रहो या दोनों ऑफ के नीचे रहो दोनों सीएल के बाहर रहो दोनों के बीच पहुंचे आई बोले सर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी विच इज ऑप्शन का याद करो एवं क्वेश्चन मिल जाता है कंपाउंड मगर जब डी सी एच डबल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड सी एच सी तो कंपाउंड इज डी डी एच सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डी एच तो दिस इज ऑप्टिकल एक्सेस बिकॉज दिस इज एवं क्वेश्चन डाय सबसे डी एन एक्टर रेफरेंस दोनों हाइड्रोजन है एक ड्यूटीरियन एक टोरियन है तो दोनों डिफरेंट होते हैं बट नॉट अदर वन बट नॉट अदर वन ये ठीक है क्या चेक करो टी सी एम एंड एम यू ऑफ दिस एम यू ऑफ डबल वन सी ओ हाँ यहां से गए तो अलग है यहां से गए तो अलग है No, this will not show. Okay, reason जो है इस कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ सी ओएच अभी लगे हुए हैं तो ये कार्बन जो है कार्बन फिक्स हो गए अच्छा कौन सा कहां से बॉन्ड होगा यहाँ पे हाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो कैसे क्योंकि फिर ये रास्ता और ये रास्ता डिपेंड होता है अंडरस्टैंड दिस क्लियरली बट दिस कंपाउंड कैनॉट रीजन साथ जा रहा है जहां पे आने के लिए नहीं रहेगी उनसे वो लड़ा इधर से आते समय उधर से नहीं दिख रहा है क्योंकि ये लोकेशन क्या है ये लोकेशन क्या है कार्बन का रिएक्शन क्या है इसका मतलब है
यहाँ पे लोकेशन पर भी मतलब रखती है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि कंपाउंड में सबसे बड़े सी ओर चैनल लगी हुई है, पूरी दोनों स्ट्रक्चर है, ओके, तो यहाँ पे ही वहाँ पे ओर एलिमेंट मिल जाएगा, सारे चैनल वाले मिल जाए, तो फ्रेंड सर अगर मैं दो ऐसे देखूंगा यहाँ पर मुझे क्या लगा हुआ है कंपाउंड के नाम पर तीन ओर चैनल, और इसी को दूसरा दूसरा बहुत अच्छा है, ओके, उसके रिलेशन का मतलब नहीं होगा वहाँ पर। हाँ, अगर इससे पहले हमारे लिए पसंद कर सकते हैं तो सर ही इतना मौसम, तो कंपाउंड नंबर टू विल नॉट, तो वो सब आपके लिए इससे जस्ट नॉट रेलेवेंट, आई थिंक यू आर करेक्ट, पर बी एम बी भी गलत हो रहे हैं, ऑप्शन में गलत है, वट वो सेवन वन एस टी एल टू एल एस जो भी कर रहे हैं तो वो गलत हो गया, दट नॉट दस वो वाला सेकंड वन एस, तो टू पार्ट दो करेक्ट नॉट करेक्ट आंसर को एक क्वानिटी प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट नंबर है ग्रेटर परसेंटेज ऑफ कीटो कंटेंट देन ओनली सेकंड नंबर, कीटो कंटेंट फर्स्ट नंबर में ज्यादा हो सेकंड के कंपेरिजन में, कीटो कंटेंट ज्यादा होने का मतलब क्या है, एनॉल कंटेंट कम हो, जब कीटो एनॉल ट्रांसफर होते तो कीटो कंटेंट हो रहे हैं उसमें लोग एनॉल फॉर्मेशन कम हो रही है, अगर फर्स्ट में जिसमें फर्स्ट में एनॉल फॉर्मेशन कम हो रही है सेकंड में ज्यादा हो जाता है, आंसर आपको यहाँ पर खुद करना काउंटर करेगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन एनी फ्यूर प्लेसिस क्रॉस कम्बिनेशन, क्रॉस कम्बिनेशन में रेडी एआर कन्वर्जन, एआर कंटेंट डिग्री, तो एआर कंटेंट में डिग्री कनेक्ट कीटो और इंक्रीज, तो सेकंड का कीटो ज्यादा होगा सबसे वीडियो कम होगा, इन क्वेश्चन का कीटो क्रॉस का ज्यादा होना चाहिए सेकंड का लगे, मतलब एआर कम हो सकते नहीं, बी पे आ जाओ, बी कंपाउंड में फर्स्ट कंपाउंड में क्लियर करने बीच में लगा दिया आपने, जहां से मॉडल निकाल रहे हो वहीं पे एनी रखा हुआ है, इट्स लाइक एनी सी ओ CHNCO N, this is your compound. And in case you have NCO CHCO N. And if you have this hydrogen, you will get a minus charge. So minus charge का क्या लगा रखा है? Plus का zero. जिससे highly electrolyzed होने का है. Minus charge से बाहर जो लगा रहे हैं हम. Minus charge चले से हम तो two electron भेज रहे हैं. So नहीं दिया रहेगा. हमें तो नहीं जो हो. इस केस में ऐसी करने के बाद यहाँ पे माइनस का ज्यादा कर रही है तो बेटर ऑप्शन कौन सा है इसका इनॉल ज्यादा बनेगा इसका इनॉल कम बनेगा तो इसका कीटो ज्यादा होगा इसका कीटो तो आंसर कौन सा होगा आंसर इज डी पार्ट आंसर डी पार्ट क्योंकि जिंदगी से भी फॉलोइंग कर फर्स्ट नंबर ऑफ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ कीटो बन गई फर्स्ट नंबर डालिंग ग्रेटर कंटेंट ग्रेटर कीटो कंटेंट बिगर नंबर डालिंग लेस इनॉल कंटेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताया कि दो गुट लगा देंगे शो कर जाएंगे तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं बनी थी एक डी पार्ट सी एच एंडर मैंने सोचे दस माउंट डी अगर दूसरे कंपाउंड के बारे में क्या विचार है एमई एच एच एम ई कौन सा है जोमेट्रिकल आइसोमर एलिमिन में जोमेट्रिकल आइसोमर कैसे शुरू होते हैं क्या मैंने किया है डिस्टिंग होने चाहिए दसवीं कंडीशन में तो डिस्टिंग होते हैं कर रहे हैं तो बट नॉट इसमें गलत हो गया तो दोनों जगह पर आंसर जो है नन इज करेक्ट आई हम कितने कर सकते हैं सर एलिमिन जोमेट्रिकल आइसोमर इज नॉट सीन बाय फर्स्ट दट नॉट बाय सेकेंड ओके जोमेट्रिकल आइसोमर एल्गोरिथम इज नॉट शोन बाय फर्स्ट नॉट गुड नॉट नॉट अच्छा चलो फर्स्ट कंपाउंड देखते हैं ये पार्ट का फर्स्ट कंपाउंड जो है जोमेट्रिकली आता है नहीं है और दूसरा नहीं है तो यहाँ पे काम तो लीजिए इस क्वेश्चन में करिए जोमेट्रिकल आइसोमर एल्गोरिथम इज शोन बाय ओके अगर नॉट शोन करेगा तो फर्स्ट ऑप्शन में गलत हो जाएगा तो इज शोन बाय और जोमेट्रिकल आइसोमर एल्गोरिथम इज नॉट शोन बाय सबको बताया जोमेट्रिकल आइसोमर एल्गोरिथम इज नॉट सिलेक्टेड बट नॉट द अदर वन समझ में आ गया डी पार्ट में आ गए डी पार्ट में सेम है तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता हो सकता है ध्यान से देखो हो जाएगा जोमेट्रिकल की कंडीशन है एक कार्बन के दो डिस्टिंग्विश होना चाहिए कैसे कंडीशन कैसे मिले कि कोई कंपाउंड नंबर बी का फर्स्ट पार्ट एस के भी लगाएगा एस के भी लगाएगा दोनों डिस्टिंग्विश बाकी कुछ नहीं होता है कंपाउंड नंबर बी फर्स्ट पार्ट है
It is one of the essential medical attributes. What about second part? Second karma. So answer to our two. Okay, other question I agree, this one of the most similar to Gaga Lakshmi was this not the country of Gaga. This answer will be clear, this question. How is the wrong word? So maximum version of the reasoning is, this question is about the national class of the should be less than answer to try it over. Okay, I don't think that's Let us recall what all you have done in organic chemistry till now. It is easy to have a chapter on very complete career. Let's go more down that way. So first of all, you have done IUPAC or nomenclature for all types of compounds. Okay, then you have completed concept of resonance. Okay, concept of resonance, then concept of formal charge, which is a better problem. Okay, right for a minute. Then, some general, like already compounds to the IPC moving and all. If you want to recommend next term to carbocation, carbamine, free radical, okay, then carbene, synthesis, generation, reaction, everything you have done. Okay, then you have completed aromaticity or aromatic behavior. Aromatic meaning aromatic, anti-aromatic. Non-aromatic is a substitute. Aromatic is a substitute. Then inductomeric, you have done electromeric. Please note on this because this will help you in division also. That means this is going to be the means of check them out, the means are also coming on. So inductomeric, electromeric, plasmeric and mesomeric effect, plus and minus and inductive effect. You have done hyperconjugation also. Please answer that you know these things clearly. Hyperconjugation. Okay, then you have done concept of acidity and basicity. Under this different names. Okay, Lewis acid, Lewis acid, then Lewis acid, okay, and general H plus H minus 7. Everything you have done. Then conjugate acid, conjugate base. This will come back to you. Okay, this should have after alpha algorithm means. You see, we have completed isomerism also. Structural, stereo. Structural means chain position, functional, metamer, tautomer. And stereo, optical penetrator. And if you have complete question, optical isomers are only data for enantiomers, diastereomers, mesomers, reaction fixture formation, which are the same thing. And geometrical means, C double bond, C group K, C double bond, N group K, N double bond, N group K. Then spin anti. इधर से आयु सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पे इंजन सिस्टम पढ़ा हुआ है ओके तो जो कोई क्वेश्चन कैसे लेंगे इसमें कोई चीज ऐसी ना हो आपको नहीं आती आपकी तो बस नेक्स्ट क्लास के बारे में चाहता हूँ यह पूरा रिवाइज कर लो और पूरे क्वेश्चन पे कंप्लीट टेस्ट हो जाए तो जब हमें कंडीशन जानता है वो सबसे अच्छा समझ में आ गया और वो टेस्ट डिस्कशन मतलब बताना है उससे पहले हम जाए नेक्स्ट क्लास के पहले कभी पूरा करते हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास में मूल्यांकन करेंगे ये सारी चीजों में किसी को कोई डाउट ना ओके अगर टेस्ट नहीं भी वाला प्लेस हो जाता है इनके प्लस में आगे लेता है तो भी अगर कामिंग आप नेक्स्ट क्लास को सारे रिवाइज करके रखें देन यू हैव डन ओके आइसन आइसन में पूरा काम कंप्लीट हो चुके हैं ठीक है इतना क्वेश्चन हुआ और इसमें आई थिंक सभी जो डिलीवरी किए हैं सेम कमीशन कम से कम मैडम और जितने भी मोनोक्लोरो One, two, three, four.
like this, butane 1, 2, 3, 4, tetra all. Butane 1, 2, 3, 4, tetra all. Butane 1, 2, 3, 4, tetra all. Okay. Draw all possible isomers of the sambar. Butane 1234 tetrol. कितने आपके यहाँ ऐसे सेंटर हैं इसके? Butane 1234 tetrol. How many optical access centers? चाहे हाँ ड्रॉ करो फोर ऑप्टिकल एक्सेस सेंटर ओनली टू जो पहले बार आखिरी हुए थे जो पीएस टू हुए पीएस टू हुए थे ध्यान से देखो सेकंड क्या था ड्यूटेन 1234 टेट्रा ऑफ टेट्रा सी 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 टू फोर फोर नाउ कैन सो दिस इज दिस पोजीशन 11 टू हर पोजीशन वन हाइड्रोजन टॉपिकल एक्सेलरेशन कौन सी होनी चाहिए Now with this condition, draw all optical active fissure position. Come on, H OH OH H CH2 OH. See here the image of this. OH H H OH CH2 OH. And if you take this pattern, H, OH, H, OH, CH2, OH, CH2, OH, this is action. Mesophore. Now, write down, if a compound is having any optical active carbon, if a compound is having an optical active carbon, with different groups responsible for optical activity. If a compound is having an optical active carbon with different groups responsible for optical activity, then in that case, total number of isomers possible are how many? तो एक कमांड के पास एक आपके एक्सेस सेंटर है तो उससे कितने आइटम बन सकते हैं दो एक आ रहा है चार जाएंगे एक से एक आपके एक्सेस सेंटर से बन टू ये दैट इज गोइंग टू रेज टू पावर एन सो राइट ऑन टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स होगी टू रेज टू पावर एन If a compound is having n optical active centers, total number of optical active isomers will be 2 raised to the power n divided. This is not having same type of groups responsible for optical activity. For example, in this case, you have 2 optical active centers. So, how many optical active isomers will be there? 4. 2 square. What is the meaning of the equation? So, this is the responsible group that you are in. So, that is, these two are same. अगर भी सीएच टू चलाए आपने अगर भी सीएच टू चलाए हुए तो ये इस पैटर्न में कैसे नहीं होगा पैटर्न देखेगा नाम से एन ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन विद डिफरेंट ग्रुप रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी अगर यहाँ पर सीएच टू चला सीएच टू सीएल होगा क्या इसका आंसर कितना होगा तो टू स्क्वायर होता है आंसर उसके लिए इसके आंसर होगा टू स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर सीएच टू ओवर है तो इसका आंसर होगा टू रेज टू पावर एन माइनस वन पैटर्न देखिए If there are two optical active centers
in the directory of the galactic center with same group responsible for optical activity, and there will be 2 raised to the power 2 minus 1. Same group responsible for optical activity. Same group responsible for optical activity. Then answer will be 2 raised to the power 2 minus 1. If you want to 2 raised to the power n, the answer is 6 times minus 10 to the power n. So it is now going to 2 raised to the power n minus 1. That is the 2 minus 1. अच्छा ये सामने मैथमेटिकल ही क्रम आप सोचे आप एग्जाम में कोशिश करेंगे कि आप यूज करो दिमाग को लगा के सॉल्व करो ज्यादा अच्छा है ये भी आपने सामने रखा टू एस बार मैं कहना होना चाहिए तो देखो कंपाउंड कर लिया ठीक है तो इस तरह से ज्यादा एडवर्टाइज नहीं करो सामना याद करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको आर एस कंपनी भी समझ में आता है तो आप याद ही कर सकते हो बहुत बड़ी चीज नहीं आते फॉर एग्जाम्पल जस्ट कमेंट ऑफ कंपाउंड राइट ओ एस हाउ मेनी ऑप्टिकल एक्टर्स isomers or how many isomers which are stereo can be active we get from this structure. So what centers are there? 1, 2, 3. 3 centers that optical activity is same for this group. Transfer point is 2 raised to the power 3 minus 1. So what are you saying? This option? Or 4 raised to the power 3 minus 1. Then the rest of the 4 raised to the power 3 minus 1. Where are you? वो नीचे सामने चले जाओ नीचे सामने जाए नीचे सामने जाते अभी जो सबसे बनाकर सामने पे ऑप्टिकल एक्सिस पे से कि नीचे फॉर्म है तो नीचे फॉर्म है नीचे वर्ष करेगा नीचे का नीचे वर्ष बना लोगे तो इफ यू हैव दिस स्ट्रक्चर और यू हैव दिस स्ट्रक्चर दिस ओनली नीचे फॉर्म नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ यू हैव दिस स्ट्रक्चर तो वेट इज ओके दिस कैन बी ऑप्टिकल एक्सिस अदर केस दिस कैन बी to get SOS and this is OSS. So, two optical active हो सकते हैं ओके तो इस तरीके से ऑप्टिकल एक्टिव यहाँ पे ऐसे मतलब डॉक्टर से भी निकाल सकते हैं वर्कआउट कर सकते हैं कैन टू नेक्स्ट क्वेश्चन टू थ्री फोर ट्राई ब्रोमोन हेक्सेन टू थ्री फोर ट्राई ब्रोमोन हेक्सेन How many optical active isomers are possible? 2, 3, 4, trigonal hexane. How many optical active isomers are possible? आंसर आना चाहिए आपको यहाँ पी एच सी है यहाँ पे क्या है सी एच सी इज इट आई कनेक्टिविटी ऑप्टिकल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप यू कैन नॉट सी ठीक है वन साइड यू हैव सी एच सी अदर साइड यू हैव सी एच सी तो इस तरह तीनों ऑप्टिकल सेंटर बन रहे हैं किसी भी तरीके से कनेक्टिविटी आ रहा है ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो आंसर क्या होगा टू एच सी बॉट सी तो आंसर चाहिए आई होप Now, if someone asks what is RS configuration for this, they can write all possible. RRS, okay, then RSR, okay, SSR, SSS, SRS, सारी possible configuration यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है और क्या होगा यस एस आर आर और इंपॉर्टेंट चाहिए आर एस एस ठीक है तो कभी कैसे बात सक्सेस हो रहे हैं एक पॉसिबल और आगे यहाँ पे मिलेंगे आपको इन कोई भी समझते नहीं है जैसे यहाँ पे आप खेलती को खेलती होते हो जैसे समझते नहीं है वैसे प्रॉब्लम क्या होगी मीजो को हम एलिमिनेट हो जाएंगे कौन कौन से मीजो एलिमिनेट होंगे तो मीजो बोला मैं आर स्टडी एस आर इन आर एस कैन बी मीजो यू कैन नेवर गेट मीजो इन आर एस फॉर्म यू कैन नेवर गेट मीजो इन एस एस फॉर्म जैसे भी एस आर तो टॉप और बॉटम में यहाँ पे जाना चाहिए ऑपोजिट होना चाहिए यहाँ पे क्या है सेम है क्या मीजो हो सकते हैं दिस कैन नॉट बी मीजो वेर वो दिस वन दिस कैन बिकम मीजो वेर वो दिस वन कैन नॉट बी वेर वो दिस वन कैन बिकम दिस कैन नॉट बी वेर वो दिस वन कैन नॉट बी दिस कैन बिकम एंड दिस विल बिकम वो चार काम दो मीजो में कन्वर्ट हो जाएंगे वो चार मीजो नहीं बनेंगे वो चार मीजो नहीं होंगे चार मीजो मीजो कितने होते हो
रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है दो और सस्ते भी जमा होने तो नेट पैसे कितने करेंगे आपके पास ऑप्टिकल आपसे टू एस के पावर टू माइनस वन ओके थ्री माइनस वन सर टू से सर फोर ऑप्टिकल आपका मीटर टू मीटर फोन डॉक्टर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकिन ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन टू थ्री फोर फाइव हो गए ट्वेंटी ठीक इसमें जो एनएनसी में बनाओगे एनएनसी में फेयर भी कम हो जाएंगे आपके तो ये टू करिए जैसे आपके लिए टू हो एनएनसी में फेयर भी कम होगा ना टू क्योंकि सबसे बड़ा आगे क्या है सीएससी पीएससी अब बीच में एस डी आर है डी आर से करते रहे थे फिर किसके लिए करेगा ऐसे प्रिपरेशन डी आर डी आर डी आर चेंज कर दिया या आपने डी आर एस कर दिया ऊपर अगर और दूसरे चक्कर में से अवेलेब कर दिया तो कितने चक्कर बन सकते हैं बच्चे देखो दिस क्वेश्चन यहाँ पी एस सी यहाँ पी एस सी जगह एक एस डी आर और अगर डी आर एस तो क्यों नॉट मेक एनी चेंज तो चेंज किसके से मिलेगा एस डी आर जो नहीं करते वो नीचे हो गए अब नहीं गया यहाँ पर डी आर एस तो दो बात सुनिए मैडम ऑलरेडी बोलता है इसका मेरे घर जो हो गए तो दूसरा ऑप्शन क्या बनने वाला है डी आर एस और मुझे कौन मनी होगा जो कम का नुकसान हो कोई नुकसान होगा नेट लॉस ऑफ कोर लॉस ऑफ कोर स्ट्रक्चर ट्रैक्टर इज वेरी ओनली कोर स्ट्रक्चर एट दी एंड ऑफ द डे टू एनर्जी नहीं सम टू मीटर टू ऑप्टिकली एक्टिव टू ऑप्टिकली इनएक्टिव स्ट्रक्चर सो कम टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट टू थ्री फोर फाइव ब्रोमो कंटेन टू थ्री फोर फाइव ब्रोमो कंटेन आई हैव माय आंसर क्वेश्चन इज टू थ्री फोर फाइव ब्रोमो क्योंकि जरूर आपको रखने की जरूरत मजा करने की जरूरत नहीं समझने की ज्यादा जरूरत है अगर आप समझ सकते तो आप स्ट्रक्चर बन जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फाइव ब्रोमो कंटेन क्या होने वाला है फाइव कार्बन टू थ्री फोर या थ्री ब्रोमीन ना चैलेंज यू गेट दिस काइंड ऑफ पैटर्न सीएचसीआर सीएचसी ब्रोमीन एचडीआर एचडीआर इन बिटवीन यू कैन सी एचडीआर और डीआरएस यू नॉट कैन यूनियन साइड इट विल बी द कॉमन यूजर फॉर ऑल वन मीटर ऐसे होगा दूसरा मीटर का होगा डीआरएस डीआरएस का दो मीटर होगा मीटर ना इससे अलावा अगर आपको भी लगाते हैं जैसे यहाँ डीआरएस ये कंपाउंड एडिशन एक्टर कर सकते हैं इसका नीचे होगा सेवन मेगा एडिशन होगा डीआरएस एच बीच में तो आपसे कोई मतलब नहीं है और यहाँ पे एच डी आर टूटे से मीटर कंपाउंड से एडिशन इन दोनों एडिशन के अलावा कोई भी पिक्चर आप ड्रॉ नहीं कर सकते ट्राई करके देखिए चलाना सकते हो सेंटर एडिशन से कॉमन रहेगा मीजर फॉर्म दो बार नॉन नहीं करेंगे एनएसओ से दो हजार परसेंट नॉन नहीं करोगे वो डीसी पोजिशन वहां पर आ रहे हैं कैंसर एन दू गाइडन आंसर टू एंटीमेरिक सेल्स एंड टू मीजर फॉर्म सो दिस पेक्चर वॉज टू एंटीमेरिक टू एंटीमेरिक एंड टू मीजर फॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ ऑल पॉसिबल मीडियो फॉर्म ऑफ बहुत अच्छा क्वेश्चन है मीडियो आर्टिकल एग्जाम में सी सिक्स एच ट्वेल सी एच ड्रॉ ऑल पॉसिबल मीडियो फॉर्म ऑफ सी सिक्स एच ट्वेल सी एच सॉरी ऑल पॉसिबल मीडियो फॉर्म ऑफ सी सिक्स एच ट्वेल सी एच डॉक्टर कितने मेरे पहले का आंसर फॉर्म ऑफ फॉर्म How many forms are possible? How many forms are possible? And how many?
तीसरी क्वेश्चन पीएस और मीजो फॉर्म अरे क्वेश्चन ही आएगा सारे मीजो फॉर्म का नाम सुनता हूँ मीजो का क्या नाम सुनता हूँ रक्त रक्त भी आई थे रक्त को कैसे जाने आते हैं अगर उसके कारण हम पैसा लगाते हो तो उसके एक्सएल एक्सएल सैंडिक भी नहीं करता हूँ अच्छा पीएल ठीक है तो वहां पे आप ऐसा करते हैं एक घंटे आप जा सकते हैं कितने बजे चाहे अभी आप जाएंगे बहुत सारे लोग और जाना चाहते हैं जो पैसे नहीं है पैसे में इतना है जैसे उसको समझा रहे जाएगी तुम जा रहे हो नहीं जा रहे हो
तो अभी वहाँ भी जाते हैं विद्यांगल छोड़ते हैं वहाँ भी सीधा जाते हैं वहाँ भी जाते हैं यहाँ भी छोड़ते हैं वहाँ भी सीधा जाते हैं सोचते थे एक तरफ से या वहीं करने में रहते थे स्कूल ही अटेंड करना पड़े थे टॉप कर दो स्कूल में अपने वो भी नहीं होता या टोटी में टॉप करना वो भी नहीं होता तो डायगोनल स्टेज तो वहाँ नहीं बढ़े क्या है इधर जा रहा है इधर जा रहा है आपके अंदर गवर्नमेंट समझते हैं कि मैं जो करो ठीक करो अपना आराम करके पढ़ाई करो स्कूल में स्कूल से पूरे सबक करो फिर टोटी में टेंशन लेते आपको और जब यहाँ पे आपको वहाँ भी टेंशन लेंगे कभी सक्सेसफुल हो सकते दोनों चीजों का बैलेंस जरूरी है अगर वहाँ पे वहाँ की टेंशन है वहाँ पे यहाँ की टेंशन है तो उसमें कुछ नहीं होना फिर आप कैलफाइन घूमते रहेंगे मेरे साल और दोनों का बैलेंस बता रहे हैं चार पास हो जाएगा मेरा कम नहीं लगेगा क्यों मिले जल्दी नहीं होते और ये चीज मतलब डिजिटल है तो मेरे कि आपको अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए लास्ट में उनके भाग रहे हैं एग्जाम के लिए बड़ी अरे इसका कॉन्टेक्ट जाना है कि मेरे को बड़े बड़े भूमि है और अगर ये मेरा मेन रहता है बेटे कि कभी भी एग्जाम के